नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है चांदनी और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चांदनी 1989 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जिसका निर्देशन और सहनिर्माण यश चोपड़ा द्वारा किया गया है, जो महेश कलवंता, अरुण कौल और शहर सरहोगी द्वारा पटकथा के साथ कामना चंद्रा द्वारा लिखी गई कहानी है। इस फिल्म में श्रीदेवी ने चांदनी माथुर की भूमिका निभाई है, जो श्री कपूर और विनोद खन्ना द्वारा निभाए गए दो प्रेमियों के बीच बिखरी हुई एक युवा उत्साही महिला है। वहीदा बहमान और पंखे पुरुष सुषमा सेठ, मीता वरिष्ठ और मनोहर सिंह सहायक भूमिका में है। 80 में एक दशक में चोपड़ा के करियर में एक पेशकश झटका लगा। असफल पेशकश फिल्म वहीदा रहमान, अनुपम खेर और सुषमा सेठ, निशा बेस्ट और मनोहर सिंह सहायक भूमिका निभाते हैं। उसके देश में चोपड़ा के करियर में एक पेशेवर झटका लगा। असफल बक्सन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जोरों के और लौटने के एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया, जो कि यश चोपड़ा सोली के रूप में जानी जाने वाली सभी विशेषता वाली फिल्म थी। नायिका उत्कंठ रोमांटिक भावना तक सुपर अभिजात वर्ग की जीवन शैली का चित्रण मधुर संगीत के साथ विदेश स्थानों में चित्रित गानों में उपयोग किया जाता है। फिल्म में चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग के चिन्हित किया जाता है और ये 1996 की सबसे बड़ी चांदनी की में 14 सितंबर 1989 को जसराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म की एक व्यापक आलोचनात्मक व्यावसायिक सफलता थी और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया और इसे की दशक में 10 मिलियन अधिक बिक्री। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन दृश्यों के युग को समाप्त करने के रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने में फिल्म के साउंडट्रैक की भारी सफलता महत्वपूर्ण भी थी। फिल्म की सफलता में नौ युग की शीर्ष अभिनेत्री के रूप में श्रीदेवी के स्थिति का और मजबूत किया। इन वर्षों में चांदनी की चोपड़ा के बेहतर फिल्मों में से एक के माना जाता है। 37 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चांदनी ने संयोग मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। 34 फिल्मफेयर पुरस्कारों में फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, श्रीदेवी अभिनेता कपूर, श्रीदेवी सहायक अभिनेता खन्ना, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहमान सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीत हासिल की। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी राजीव एक अमीर जमींदार परिवार के आते हैं और ये पढ़ाई के बाद लंदन में भारत लौटता है और अपनी माँ के साथ एक महिला घर में रहता है, जो पहचानते हैं कि वो ठाकुर अजय सिंह की इकलौती बेटी विजय सिंह नाम की एक खूबसूरत युवती से शादी करें। हालांकि राजीव को रजनी से प्यार हो जाते हैं। कनेक्शन के साथ एक अनाथ है, जब राजीव ने उसे अपनी माँ को रजनी से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो उसने उसे आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया, लेकिन रजनी के साथ एक अनुकूल मुलाकात के बाद भरोसा किया। शादी की व्यवस्था की जाती है और वे अपनी शादी का आनंद लेते हैं। भोला नाथ के आने तक शौकों के सक्षम साधु वो राजीव की माँ की सूचित करता है। रजनी की इच्छाधारी नागिन है और एक महिला आकार बदलने वाली जहरीले कबीरा, जिसने राजीव के बचपन के दौरान अपने पति को मौत का बदला लेने के लिए राजीव से शादी की है। उसे घर से निकालने के लिए भैरव और उनके शिष्यों के एक पूजा की रजनी को एक सौपेरों के पुजारी का धनों से खुद को अपने सांप के रूप में बदलने के लिए मजबूर किया। हालांकि जब राजीव घर में आता है तो रजनी भाग जाता है और केवल भौरव द्वारा पकड़े जाते हैं लिए अपनी साजिश का खुलासा करता है। मणि के साथ दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक पवित्र गेंद, जिसे केवल रजनी की योजना राजीव भौरा से लड़ता है, जिसे दो सांप लाट लेते हैं और मर जाते हैं। राजीव और रजनी हमेशा खुशी से रह रहते हैं। श्रीदेवी चांदनी माथुर के रूप में ऋषि कपूर, रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना, ललित खन्ना के रूप में लला, लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, सुषमा सेठ, अमानी गुप्ता के रूप में मीना वशिष्ठ, करण चावला के रूप में बिजनदास, चावला के रूप में अनंत महादेवन चावा, सचदेवा के बिना चटर्जी, मोहम्मद सिंह महमल गुप्ता के रूप में शिवप्रसाद, माथुर के रूप में पल बजाज, लतीन तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमन दास के रूप में भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर, महेश मेहरा के रूप में देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला, उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बोलते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि वो एक एक्शन फिल्म 1988 की बना रहे हैं, तो उन्हें लगा कि उन्हें इस
तरह की फिल्म वो नहीं बनना चाहिए। बाद की में उनकी मुलाकात लेखिका कामना चंद्रा से हुई फिल्म में, जिन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग 1982 के लेखन के बाद लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने चोपड़ा की एक सामाजिक रोमांटिक संगीत में फिल्म की कहानी पेश की, जिसे ये संपद आई और उन्होंने सितारों की चुनना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च पार्टी में चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पटकथा के दूसरे भाग को बदलने के लिए फैसला किया, जिसमें मूल रूप से चांदनी को ललित से शादी करने की थी और एक बेटा पैदा करना था। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म की एक एक्शन सीक्वेंस की मांग शुरू की थी, जो इसे चोपड़ा ने मना कर दिया। मूल रूप से स्क्रिप्ट में श्रीदेवी को आग की घटना के छिपाने के लिए खन्ना की आवश्यकता थी। हालांकि पूरी की गई फिल्म की देखन पर चोपड़ा की लगा कि ये फिल्म एक हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने श्रीदेवी और खन्ना को एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया ताकि उनकी पहली मुलाकात एक दृश्य के फिर से फिल्माया जा सके। संगीत चांदनी के साउंड ट्रैक शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा रचा गया था, जिन्हें शिव और हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रसाद किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आतंक में बहुत समय थे राम था, जो एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं था। चोपड़ा का अगली फिल्म है लंबे 1981 के लिए कभी मैं हूं ना गीत में और उस राग को और विकसित किया गया, जिसे शिव हरि ने भी गाया था। फिल्म का साउंडट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसमें 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिक्री, जो वर्षों की दशक के सबसे अधिक कमकीने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया। जैसा माना जाता है कि साउंडट्रैक वकायत के कमयात के 1988 की मैंने प्यार किया 1989 के साथ रोमांटिक संगीत शैली के वापस लाने में मदद की। इसके गीतों और गीतों की प्रमुख आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यशराज फिल्म्स के अनुसार प्रीमियर के दिन साउंडट्रैक 4x टेलीविजन हो गया। 25 सप्ताह तक ये 25x प्लैटिनम हो गया। संगीत में योद्धा में एक नया मानक उदाहरण वंचित चांदनी को इसकी रिलीज पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें कई आलोचना में भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के एक युग समाप्त करने में रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने की फिल्म के प्रभाव का उजागर कर दिया। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म खचाखच भरी हुई है, वितरकों के थिएटरों की संख्या में भरी बंदी करती है। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनने से एक थे रूप में उभरी थी। बॉलीवुड में और हिंदी फिल्मों में से रोमांस की वापसी फिल्म में श्रीदेवी की स्थिति युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में मजबूत किया। चांदनी ने श्रीदेवी के प्रदर्शन का खंडन करते हुए इंडियन टाइम्स ने लिखा, अपने स्क्रीन नाम के अनुसार वो चमक गर्मजोशी और जीवंतता का प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धैर्य से शरीरत करते हैं। उनका क्लासिक दिव्य चरित्र भरा हुआ था, जिस दृश्यों में वो ऋषि कपूर का सामना करते हैं उसे रेडी द्वारा यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि श्रीदेवी यश चोपड़ा के शीर्ष 5 नामों की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष पर थी। CNN IBN की यश चोपड़ा ने 10 सबसे कामों के नायिका को उसकी नंबर सूची में उसे एक स्थान दिया और यह कहते हुए शान चोपड़ा के श्रीदेवी के आदर्श चांदनी के रूप में अमल कर दिया। इसे यश चोपड़ा की प्रतिष्ठित यात्री के सूची के शामिल किया। CNN IBN ने इसे द कल्ट करेक्टर यश चोपड़ा क्रिएटर के सूचीबद्ध किया, जबकि NTV ने इसे यश चोपड़ा योगस्ट क्रिएशन की अपनी सूची में यह कहते हुए दिखाया कि फिल्म में श्रीदेवी को कास्ट की प्रतियोगिता के रूप में स्थापित किया और के रूप में जन की स्थिति को मजबूत किया। बॉलीवुड में राज करने वाली अभिनेत्री फिल्म में पोशाक डिजाइन भानु अथिया और लीना दारू द्वारा किया गया था। श्रीदेवी के प्रतिष्ठित चांदनी लुक ने उत्तर भारत में फैशन में क्रांति ला दी और अभिनेत्री का पर्याप्त बन गई। एडिप ने कहा कि चमत्कार श्रीदेवी उदार रोमांस के लिए एक बड़े हिंसा के लिए सफेद रंग में हर संभव डिजाइन में विफल जाती है और कई शिकायत नहीं करता है। लुक के बारे में विफल रहे चोपड़ा ने फिल्म समीक्षकों को राजीव पसंद से कहा, चांदनी बनाते समय मेरे पास एक दृष्टि की थी, इस लड़की को कौन बनाना चाहता है। मैंने श्रीदेवी से कहा कि फिल्म में उनकी अधिकांश पोशाक सफेद रहा होगा और देवी ने उनके लिखा कि लीना दारू ने फिल्म से एक विजेता बनाया। जब उन्होंने श्रीदेवी के लिए चांदनी लुक बनाया, हर गली नुक्कड़ पर सलवार कमीज और दुपट्टा बचा गया था और इसके लिए वो उसके
लेकिन चांदनी में श्रीदेवी के लिए लहरिया दुपट्टे के साथ उनका साधारण लुक सफेद चुराकर और कुर्ता था, जिसके दक्षिणी भोले का एक दिव्य छवि दी चांदनी चौक के स्टोरी की हिट कर दिया। जगपाल डलव्यू बीज यह सिंह ने लुक के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, चोपड़ा अभी भी अपने श्रीदेवी के हैंग ओवर से ओवर नहीं पाए और लगभग हमेशा अपनी भविष्य की भूमिका नायिका को उसी तरह से अभिधारित पेश करने के लिए चुना। डन 1993 में जूही चावला, माधुरी दीक्षित और पगल 1997 प्रीति जिंटा, लेकिन उनमें से कहीं भी उतना प्रतिशत नहीं हुआ जितना कि श्रीदेवी की चांदनी के बाद किया था। लगा असफल बक्सन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जोरों के और लौटने के एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया, जो कि यश चोपड़ा सोली के रूप में जानी जाने वाली सभी विशेषता वाली फिल्म थी। नायिका उपखंड रोमांटिक भावना तक सुपर अभिजात वर्ग की जीवन शैली का चित्रण मधुर संगीत के साथ विदेश स्थानों में चित्रित गानों में उपयोग किया जाता है। फिल्म में चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया जाता है और ये 1996 की सबसे बड़ी चांदनी के रूप में 14 सितंबर 1989 को जसराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म की एक व्यापक आलोचनात्मक व्यावसायिक सफलता थी। 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया और इसे की दशक में 10 मिलियन अधिक बिक्री। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन दृश्यों के योग को समाप्त करने के रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने में फिल्म की साउंडट्रैक की भारी सफलता महत्वपूर्ण भी थी। फिल्म की सफलता में न शीर्ष अभिनेत्री के रूप में श्रीदेवी की स्थिति का और मजबूत किया। इन वर्षों में चांदनी की चोपड़ा के बेहतर फिल्मों में से एक के माना जाता है। 37वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चांदनी ने फिल्मों को मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के पुरस्कार जीता। 34वें फिल्मफेयर पुरस्कार में फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, श्रीदेवी अभिनेता कपूर, श्रीदेवी सहायक अभिनेता खन्नार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहमान सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीत हासिल की। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी राजीव एक अमीर जमींदार परिवार के आते हैं और ये पढ़ाई के बाद लंदन में भारत लौटता है और अपनी माँ के साथ एक महिला घर में रहता है, जो पहचानते हैं कि वो ठाकुर अजय सिंह की इकलौती बेटी विजय सिंह नाम की एक खूबसूरत युवती से शादी करे। हालांकि राजीव को रजनी से प्यार हो जाते हैं। कनेक्शन के साथ एक अनाथ है, जब राजीव ने उसे अपनी मां को रजनी से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो उसने उसे आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया, लेकिन रजनी के साथ एक अनुकूल मुलाकात के बाद भरोसा किया। शादी के व्यवस्था की जाती है और वे अपनी शादी का आनंद लेते हैं। भोलानाथ के आने तक सौंपों के अनुत्तरी सक्षम साधु वो राजीव की मां की सूचित करता है। रजनी की इच्छाधारी नागिन है और एक महिला आकार बदलने वाली जहरीले कबीरा, जिसने राजीव के बचपन के दौरान अपने पति को मौत का बदला लेने के लिए राजीव से शादी की है। उसे घर से निकालने के लिए भैरव और उनके शिष्यों के एक पूजा की। रजनी को एक सौपेर के पुजारी का धनों से खुद को अपने सांप के रूप में बदलने के लिए मजबूत किया। हालांकि जब राजीव घर में आता है तो रजनी भाग जाता है और केवल भौरों द्वारा पकड़े जाते हैं। ये अपनी साजिश का खुलासा करता है। मणि के साथ दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक पवित्र गेम, जिसे केवल रजनी की योजना राजीव भौरा से लड़ता है, जिसे दो सांप लाट लेते हैं और मर जाते हैं। राजीव और रजनी हमेशा खुशी से रह रहे होते हैं। श्रीदेवी चांदनी माथुर के रूप में ऋषि कपूर, रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना, ललित खन्ना के रूप में लला, लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, कुसुमा शेर, अमानी गुप्ता के रूप में मीना वशिष्ठ, कर्ण चावला के रूप में बिजन भास, चावला के रूप में अनंत महादेवन, अजावा सचदेवा के बिना चटर्जी, महावर सिंह, महावल गुप्ता के रूप में शिवप्रसाद, माथुर के रूप में बाल बजाज, नितिन तिवारी, सुभाष जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमन दास के रूप में भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर, महेश मेहरा के रूप में देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला, उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बोलते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि वो एक एक्शन फिल्म 1988 की बना रहे हैं तो उन्हें लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म नहीं बनना चाहिए। बात की उनकी मुलाकात लेखिका कामना चंद्रा से हुई, फिल्म में जिन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग 1982 के लेखन के बाद लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने चोपड़ा की एक सामाजिक रोमांटिक संगीत में फिल्म की कहानी पेश की, जिससे ये संपत्ति आई
और उन्होंने सितारों की चुनना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च पार्टी में चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पटकथा के दूसरे भाग को बदलने के लिए फैसला किया, जिसमें मूल रूप से चांदनी को ललित से शादी करने की थी और एक बेटा पैदा करना था। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म की एक एक्शन सीक्वेंस की मांग पूरी की दी, जो इसे चोपड़ा ने मना कर दिया। मूल रूप से स्क्रिप्ट में श्रीदेवी को आग की घटना के छिपाने के लिए खन्ना की आवश्यकता थी। हालांकि पूरी की गई फिल्म की देखने पर चोपड़ा की लगा कि ये फिल्म एक हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने श्रीदेवी और खन्ना को एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया ताकि उनकी पहली मुलाकात एक दृश्य के फिर से फिल्माया जा सके। संगीत चांदनी की साउंड ट्रैक शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा चर्चा गया था, जिन्हें शिव और हरी के नाम से जाना जाता है। गीत अरुण बख्शी द्वारा प्रसाद किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आदरणीय वक्त में थे राम था, जो एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं था। चोपड़ा का अगली फिल्म है लंबे 1991 के लिए कभी मैं हूं ना गीत में और उस राग को और विकसित किया गया जिसे शिव हरी ने भी गया था। फिल्म का साउंडट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसमें 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिक्री, जो वर्षों की सबसे अधिक कमाने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया। जैसा माना जाता है कि साउंडट्रैक वकायत के कमायत के 1988 की मैंने प्यार किया 1989 के साथ रोमांटिक संगीत शैली के वापस लाने में मदद की। इसके गीतों और गीतों की प्रमुख आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यशराज फिल्म्स के अनुसार प्रीमियर के दिन साउंडट्रैक 4x टेलीविजन हो गया। 25 सप्ताह तक ये 25x हो गया। संगीत में योगा में एक नया मानक उदाहरण बचित चांदनी को इसकी रिलीज पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें कई आलोचना में भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के एक युग समाप्त करने में रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने की फिल्म के प्रभाव का उजागर कर दिया। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म खचाखच भरी हुई है, वितरकों के थिएटरों की संख्या में भरी बंदी करती है। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनने से एक थी रूप में उभरी थी। बॉलीवुड में और हिंदी फिल्मों में से रोमांस की वापसी, फिल्म में श्रीदेवी की स्थिति युग की सबसे महिला स्टार के रूप में महमूद किया। चांदनी ने श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए इंडियन टाइम्स ने लिखा, अपने स्क्रीन नाम के अनुसार वो चमक गर्मजोशी और जीवंतता का प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धैर्य से सजरत करते हैं। उनका कलासी दिव्य चरित्र भरा हुआ था, जिस दृश्यों में वो ऋषि कपूर का सामना करते हैं उसे रेडी द्वारा यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था। जबकि श्रीदेवी यश चोपड़ा के शीर्ष 5 नामों की थी, हिंदुस्तान टाइम्स की सूची ने शीर्ष पर थी। CNN IBN की यश चोपड़ा ने 10 सबसे कामों के नायिका को उसकी नमकीन सूची में उसे एक स्थान दिया और ये कहते हुए स्थान चोपड़ा के श्रीदेवी के आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इसे यश चोपड़ा की प्रतिष्ठित यात्री के सूची के शामिल किया। CNN IBN ने इसे द क्लाउड करेक्टर यश चोपड़ा क्रिएटर के सूचीबद्ध किया, जबकि ETV ने इसे यश चोपड़ा ग्रेटेस्ट क्रिएशन की अपनी सूची में ये कहते हुए दिखाया गया कि फिल्म श्रीदेवी को राष्ट्र की प्रतियोगिता के रूप में स्थापित किया और के रूप में जन की स्थिति को मजबूत किया। बॉलीवुड में राज करने वाली अभिनेत्री फिल्म में पोशाक डिजाइन भानु अथिया और लीना दारू द्वारा किया गया था। श्रीदेवी के प्रतिष्ठित चांदनी लुक ने उत्तर भारत में फैशन में क्रांति ला दी और अभिनेत्री का पर्याप्त बन गई। एडिप ने कहा कि चमत्कार श्रीदेवी उदार रोमांस के लिए एक बड़े हिंस के लिए सफेद रंग में हर संभव डिजाइन में विफल जाती है और कई शिकायत नहीं करता है। लुक के बारे में विफल रहे चोपड़ा ने फिल्म समीक्षक को राजीव प्रसन्न से कहा, चांदनी बनाते समय मेरे पास एक दृष्टि की थी, इस लड़की को कौन बनाना चाहता है। मैंने श्रीदेवी से कहा कि फिल्म में उनके अधिकांश पोशाक सफेद रहा होगा और देवी ने उनके लिखा कि लीना दारू ने फिर से एक विजेता बनाया जब उन्होंने श्रीदेवी के लिए चांदनी लुक बनाया। हर गली नुक्कर पर सलवार कमीज और दुपट्टा बचा गया था और इसके लिए वो उसके लेकिन चांदनी में श्रीदेवी के लिए लहरिया दुपट्टे के साथ उनका साधारण लुक सफ़ेद चुराकर और कुर्ता था, जिसके अंदर चीनी भोले का एक दिव्य छवि थी। चांदनी चौक के स्टोरी की हिट कर दिया। जगपाल डब्ल्यू बीज यह सिंह ने लुक के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, चोपड़ा अभी भी अपने श्रीदेवी के हैंग ओवर से ओवर नहीं पाए और लगभग हमेशा अपनी भविष्य की भूमुख नायिका को उसी तरह से
अविधायित पेश करने के लिए चुना। डन 1983 में जूही चावला, माधुरी दीक्षित और पागल 1987 में वीर चावला, 2004 प्रीति जिंटा, लेकिन उनमें से कहीं भी उतना प्रतिशत नहीं हुआ जितने कि श्रीदेवी की चांदनी के बाद किया था। लगा असफल बक्सन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जोड़ों के और लौटने के एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया, जो कि यश चोपड़ा सोली के रूप में जानी जाने वाली सभी विशेषता वाली फिल्म थी। नायिका मुखंड रोमांटिक भावना तक सुपर अभिजात वर्ग के जीवन शैली का चित्रण मधुर संगीत के साथ विदेश स्थानों में चित्रित गानों में उपयोग किया जाता है। फिल्म में चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग के चिन्हित किया जाता है और ये 1996 की सबसे बड़ी चांदी के रूप में 14 सितंबर 1989 को जसराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म की एक व्यापक आलोचनात्मक व्यावसायिक सफलता थी और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया और इसे की दशक में 10 मिलियन अधिक बिक्री। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन दृश्यों के युग को समाप्त करने के रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने में फिल्म की साउंडट्रैक की भारी सफलता महत्वपूर्ण भी थी। फिल्म की सफलता में नवयुग के शीर्ष अभिनेत्री के रूप में श्रीदेवी की स्थिति का और मजबूत किया। इन वर्षों में चांदनी की चोपड़ा के बेहतर फिल्मों में से एक के माना जाता है। 37 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चांदनी ने सम्मानित मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। 34 फिल्मफेयर पुरस्कार में फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, श्रीदेवी अभिनेता कपूर, श्रीदेवी सहायक अभिनेता खन्ना, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहमान सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीत हासिल की। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी राजीव एक अमीर जमींदार परिवार के आते हैं और ये पढ़ाई के बाद लंदन में भारत लौटता है और अपनी माँ के साथ एक महिला उनका घर में रहता है, जो पहचानते हैं कि वो ठाकुर अजय सिंह की इकलौती बेटी विजय सिंह नाम की एक खूबसूरत युवती से शादी करें। हालांकि राजीव को रजनी से प्यार हो जाते हैं। कनेक्शन के साथ एक अनाथ है, जब राजीव ने उसे अपनी मां को रजनी से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो उसने उसे आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया, लेकिन रजनी के साथ एक अनुकूल मुलाकात के बाद भरोसा किया। शादी की अवस्था की जाती है और वे अपनी शादी का आनंद लेते हैं। भोला नाथ के आने तक सौंपों के अनंतरी सक्षम साधु वो राजीव की मां की सूचित करता है। रजनी की इच्छाधारी नागिन है और एक महिला आकार बदलने वाली जहरीले कबीरा, जिसने राजीव के बचपन के दौरान अपने पति को मौत का बदला लेने के लिए राजीव से शादी की है। उसे घर से निकालने के लिए भैरव और उनके शिष्यों के एक पूजा की रजनी को एक सौपेरों के पुजारी का धनों से खुद को अपने सांप के रूप में बदलने के लिए मजबूत किया। हालांकि जब राजीव घर में आता है तो रजनी भाग जाता है और केवल भौरव द्वारा पकड़े जाते हैं, लिए अपनी साजिश का खुलासा करता है। मनी के साथ दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक युवित्र गहन जिसे केवल रजनी की गजना राजीव भौरा से लड़ता है, जैसे दो सांप लाड लेते हैं और मर जाते हैं। राजीव और रजनी हमेशा खुशी से रह रहे होते हैं। श्रीदेवी चांदनी माथुर के रूप में ऋषि कपूर, रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना, ललित खन्ना के रूप में लला, लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, उषमा सेठ, अमानी गुप्ता के रूप में मीनाक वशिष्ठ, करण चावा के रूप में बृजन भास, चावला के रूप में अनंत महादेवन चावा, सचदेवा के बिना चटर्जी, मोहम्मद सिंह, महमल गुप्ता के रूप में शिवप्रसाद, माथुर के रूप में गोपाल बजाज, रतीन तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमन दास के रूप में भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर, महेश मेहरा के रूप में देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला, उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बोलते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि वो एक एक्शन फिल्म 1988 की बना रहे हैं तो उन्हें लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म नहीं बनना चाहिए। बात की उनकी मुलाकात लेखिका कामना चंद्रा से हुई, फिल्म में जिन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग 1982 के लेखन के बाद लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने चोपड़ा की एक सामाजिक रोमांटिक संगीत में फिल्म की कहानी पेश की, जिससे ये संपत्ति आई और उन्होंने सितारों की चुनना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च स्टार्टिंग में चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पटकथा के दूसरे भाग को बदलने के लिए फैसला किया, जिसमें मूल रूप से चांदनी को ललित से शादी करने की थी और एक बेटा पैदा करना था। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म की एक एक्शन सीक्वेंस की मांग शुरू की थी, जो इसे चोपड़ा ने मना कर दिया। मूल रूप से स्क्रिप्ट में श्रीदेवी को आग
की घटना के छिपाने के लिए खन्ना की आवश्यकता थी। हालांकि पूरी की गई फिल्म की देखने पर चोपड़ा की लगा कि ये फिल्म एक हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने श्रीदेवी और खन्ना को एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया ताकि उनकी पहली मुलाकात एक दृश्य के फिर से फिल्माया जा सके। संगीत चांदनी की साउंड ट्रैक शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा चर्चा गया था, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रसाद किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आतन में भाषण में थे राम था, जो एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं था। चोपड़ा का अगली फिल्म है लंबे 1991 के लिए कभी मैं हूं ना गीत में और उस राग को और विकसित किया गया जिस शिव हरि ने भी गया था। फिल्म का साउंडट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसमें 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिक्री, जो वर्षों की दशक की सबसे अधिक कमकीने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया है। जैसा माना जाता है कि साउंडट्रैक वकायत के कमायत के 1988 की मैंने प्यार किया 1989 के साथ रोमांटिक संगीत शैली के वापस लाने में मदद की, इसलिए गीतों की प्रमुख आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन साउंडट्रैक 4x टेलीविजन हो गया, 25 सप्ताह तक ये 25x प्लैटिनम हो गया। संगीत में योद्धा में एक नया मानक उदाहरण वंचित चांदनी को इसकी रिलीज पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें कई आलोचना में भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के एक युग समाप्त करने में रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने की फिल्म के प्रभाव का उजागर कर दिया। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म खचाखच भरी हुई है, वितरकों के थिएटरों की संख्या में भरी बंदी करती है। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनने से एक थी रूप में उभरी थी। बॉलीवुड में और हिंदी फिल्मों में से रोमांस की वापसी फिल्म में श्रीदेवी की स्थिति युग की सबसे महिला स्टार के रूप में महमूद किया। चांदनी ने श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए इंडियन टाइम्स ने लिखा, अपने स्क्रीन नाम के अनुसार वो चमक गर्मजोशी और जीवंतता का प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धैर्य से संयत करते हैं। उनका क्लासिक दिव्य चरित्र भरा हुआ था, जिस दृश्य में वो ऋषि कपूर का सामना करते हैं उसे रेडी द्वारा यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि श्रीदेवी यश चोपड़ा के शीर्ष 5 नामांकित थी। हिंदुस्तान टाइम्स की सूची ने शीर्ष पर थी। CNN IBN की यश चोपड़ा ने 10 सबसे कामों के नायिका को उसकी अपनी सूची में उसे एक स्थान दिया और ये कहते हुए स्थान चोपड़ा के श्रीदेवी के आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इसे यश चोपड़ा की प्रतिदित यात्री के सूची के शामिल किया। CNN IBN ने इसे द क्लाउड करेक्टर यश चोपड़ा क्रिएटर के सूचीबद्ध किया, जबकि NTV ने इसे यश चोपड़ा ग्लोबल क्रिएशन की अपनी सूची में ये कहते हुए दिखाया कि फिल्म श्रीदेवी को राष्ट्र की प्रतियोगिता के रूप में स्थापित किया और के रूप में जन की स्थिति को मजबूत किया। बॉलीवुड में राज करने वाली अभिनेत्री फिल्म में पोशाक डिजाइन भानु अथिया और लीना दारू द्वारा किया गया था। श्रीदेवी के प्रतिष्ठित चांदनी लुक ने उत्तर भारत में फैशन में क्रांति ला दी और अभिनेत्री का पर्याप्त बन गई। एडिप ने कहा कि चमत्कार श्रीदेवी उदार रोमांस के लिए एक बड़े हिंसा के लिए सफेद रंग में हर संभव डिजाइन में विफल जाती है और कई शिकायत नहीं करता है। लुक के बारे में विफल रहे चोपड़ा ने फिल्म समीक्षकों को राजीव पसंद से कहा, चांदनी बनाते समय मेरे पास एक दृष्टि की थी, इस लड़की को कौन बनाना चाहता है। मैंने श्रीदेवी से कहा कि फिल्म में उनके अधिकांश पोशाक सफेद रहा होगा और देवी ने उनके लिखा कि लीना दारू ने फिल्म से एक विजेता बनाया जब उन्होंने श्रीदेवी के लिए चांदनी लुक बनाया। हर गली नुक्कड़ पर सलवार कमीज और दुपट्टा बचा गया था और इसके लिए वो उसके लेकिन चांदनी में श्रीदेवी के लिए लहरिया दुपट्टे के साथ उनका साधारण लुक सफ़ेद चुराकर और कुर्ता था, जिसके दक्षिणी भोले का एक दिव्य छवि दी चांदनी चौक के स्टोरी की हिट कर दिया। जगपाल डलव्यू बीज यह सिंह ने लुक के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, चोपड़ा अभी भी अपने श्रीदेवी के हैंग ओवर से ओवर नहीं पाए और लगभग हमेशा अपनी भविष्य की भूमुख नायिका को उसी तरह से अभिधारित पेश करने के लिए चुना। 1993 में जूही चावला माधुरी दीक्षित और
पागल 1987 है, बीरजारा 2004 प्रीति जिंटा, लेकिन उनमें से कहीं भी उतना प्रतिशत नहीं हुआ जितना कि श्रीदेवी की चांदनी के बाद किया था। लगा असफल बक्सन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जोरों के और लौटने के एक रोमांटिक संगीतमय फिल्म बनाने का फैसला किया, जो कि यश चोपड़ा शोली के रूप में जानी जाने वाली सभी विशेषता वाली फिल्म थी। नायिका भूखंड रोमांटिक भावना तक सुपर अभिजात वर्ग की जीवन शैली का चित्रण मधुर संगीत के साथ विदेश स्थानों में चित्रित गानों में उपयोग किया जाता है। फिल्म में चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग के चिन्हित किया जाता है और ये 1996 की सबसे बड़ी चांदनी के रूप में 14 सितंबर 1989 को जसराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म की एक व्यापक आलोचनात्मक व्यावसायिक सफलता थी और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया और इसे की दशक में 10 मिलियन अधिक बिक्री। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन दृश्यों के युग को समाप्त करने के रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने में फिल्म की साउंडट्रैक की भारी सफलता महत्वपूर्ण भी थी। फिल्म की सफलता में नौ युग शीर्ष अभिनेत्री के रूप में श्रीदेवी की स्थिति का और मजबूत किया। इन वर्षों में चांदनी की चोपड़ा के बेहतरीन फिल्मों में से एक के माना जाता है। 37 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चांदनी ने समयों को मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। 34 में फिल्म फेयर पुरस्कार में फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, श्रीदेवी अभिनेता कपूर, श्रीदेवी सहायक अभिनेता खन्नार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहमान सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीत हासिल की। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी राजीव एक अमीर जमींदार परिवार के आते हैं और ये बड़ाई के बाद लंदन में भारत लौटता है और अपनी माँ के साथ एक महिला उनके घर में रहता है, जो पहचानते हैं कि वो ठाकुर अजय सिंह की इकलौती बेटी विजय सिंह नाम की एक खूबसूरत युवती से शादी करें। हालांकि राजीव को रजनी से प्यार हो जाते हैं। कनेक्शन के साथ एक अनाथ है, जब राजीव ने उसे अपनी माँ को रजनी से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो उसने उसे आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया, लेकिन रजनी के साथ एक अनुकूल मुलाकात के बाद भरोसा किया। शादी के व्यवस्था की जाती है और वे अपनी शादी का आनंद लेते हैं। भोलानाथ के आने तक शौकों के अनुत्तरी सक्षम साधु वो राजीव की माँ की सूचित करता है। रजनी की इच्छाधारी नागिन है और एक महिला आकार बदलने वाली जहरीले कबीरा, जिसने राजीव के बचपन के दौरान अपने पति को मौत का बदला लेने के लिए राजीव से शादी की है। उसे घर से निकालने के लिए भैरव और उनके शिष्यों के एक पूजा की रजनी को एक सौपेर के पुजारी का धनों से खुद को अपने सांप के रूप में बदलने के लिए मजबूत किया। हालांकि जब राजीव घर में आता है तो रजनी भाग जाता है और केवल भौरों द्वारा पकड़े जाते हैं, लिए अपनी साजिश का खुलासा करता है। मणि के साथ दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक युवित्र गहन, जिसे केवल रजनी की गजना राजीव भौरा से लड़ता है, जिसे दो सांप लाड लेते हैं और मर जाते हैं। राजीव और रजनी हमेशा खुशी से रह रहते हैं। श्रीदेवी चांदनी माथुर के रूप में ऋषि कपूर, रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना, ललित खन्ना के रूप में लला, लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, उषमा सेठ, अमानी गुप्ता के रूप में मीना वशिष्ठ, करण चावला के रूप में बृजन भास, चावला के रूप में अनंत महादेवन अजावा, सचदेवा के बिना चटर्जी, महमन सिंह, महमल गुप्ता के रूप में शिव प्रसाद, माथुर के रूप में बाल बजाज, लतीन तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमन दास के रूप में भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर, महेश मेहरा के रूप में देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला, उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बोलते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि वो एक एक्शन फिल्म 1988 की बना रहे हैं तो उन्हें लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म नहीं बनना चाहिए। बात की उनकी मुलाकात लेखिका कामना चंद्रा से हुई, फिल्म में जिन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग 1982 के लेखन के बाद लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने चोपड़ा की एक सामाजिक रोमांटिक संगीत में फिल्म की कहानी पेश की, जिसे ये संपत्त आई और उन्होंने सितारों की चुनना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च स्टार्टिंग में चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पटकथा के दूसरे भाग को बदलने के लिए फैसला किया, जिसमें मूल रूप से चांदनी को ललित से शादी करने की थी और एक बेटा पैदा करना था। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म की एक एक्शन सीक्वेंस की मांग शुरू की दी, जो इसे चोपड़ा ने मना कर दिया। मूल रूप से स्क्रिप्ट में श्रीदेवी को आग की घटना के
छिपाने के लिए खन्ना की आवश्यकता थी। हालांकि पुलिस की गई फिल्म की देखने पर चोपड़ा की लगा कि ये फिल्म एक हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने श्रीदेवी और खन्ना को एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया ताकि उनकी पहली मुलाकात एक दृश्य के फिर से फिल्माया जा सके। अंगीत चांदनी की साउंड ट्रैक शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा रचा गया था, जिन्हें शिव और हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रसाद किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आतंक में भक्त में थे राम था, जो एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं था। चोपड़ा का अगली फिल्म है लंबे 1991 के लिए कभी मैं हूं ना गीत में और उस राग को और विकसित किया गया जिस शिव हरि ने भी गया था। फिल्म का साउंडट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसमें 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिक्री, जो वर्षों की सबसे अधिक कमाने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया। जैसा माना जाता है कि साउंडट्रैक वकायत के कमयात के 1988 की मैंने प्यार किया 1989 के साथ रोमांटिक संगीत शैली के वापस लाने में मदद की। इसके गीतों और गीतों की प्रमुख आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन साउंडट्रैक 4x टेलीविजन हो गया। 25 सप्ताह तक ये 25x platinum हो गया। संगीत में योद्धाओं में एक नया मानक उदाहरण वंचित चांदनी को इसकी रिलीज पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें कई आलोचना में भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के एक युग समाप्त करने में रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने की फिल्म के प्रभाव का उजागर कर दिया। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म खचाखच भरी हुई है, वितरकों के थिएटरों की संख्या में भरी बंदी करती है। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनने से एक थे रूप में उभरी थी। बॉलीवुड में और हिंदी फिल्मों में से रोमांस की वापसी, फिल्म में श्रीदेवी की स्थिति युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में महमूद किया। चांदनी ने श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए इंडियन टाइम्स ने लिखा, अपने स्क्रीन नाम के अनुसार वो चमक गर्मजोशी और जीवंतता का प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धैर्य से संयत करते हैं। उनका कलासी दिव्य चरित्र भरा हुआ था। जिस दृश्यों में वो ऋषि कपूर का सामना करते हैं उसे रेडी द्वारा यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि श्रीदेवी यश चोपड़ा के शीर्ष 5 नामांकित की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष पर थी। CNN IBN की यश चोपड़ा ने 10 सबसे कामों के नायिका को उसकी अपनी सूची में उसे एक स्थान दिया और ये कहते हुए स्थान चोपड़ा के श्रीदेवी के आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इसे यश चोपड़ा के प्रतिदित यात्री के सूची के शामिल किया। CNN IBN ने इसे द क्लर्ट करेक्टर यश चोपड़ा क्रिएटर के सूचीबद्ध किया, जबकि NTV ने इसे यश चोपड़ा ग्रेटेस्ट क्रिएशन की अपनी सूची में ये कहते हुए दिखाया गया कि फिल्म श्रीदेवी को राष्ट्र की प्रतियोगिता के रूप में स्थापित किया और के रूप में जन की स्थिति को मजबूत किया। बॉलीवुड में राज करने वाली अभिनेत्री फिल्म में पोशाक डिजाइन भानु अथिया और लीना दारू द्वारा किया गया था। श्रीदेवी के प्रतिष्ठित चांदनी लुक ने उत्तर भारत में फैशन में क्रांति ला दी और अभिनेत्री का पर्याप्त बन गई। एडिप ने कहा कि चमत्कार श्रीदेवी उदार रोमांस के लिए एक बड़े हिंस के लिए भूपेद रंग में हर संभव डिजाइन में विफल जाती है और कई शिकायत नहीं करता है। लुक के बारे में विफल है चोपड़ा ने फिल्म समीक्षकों को राजीव पसंद से कहा, चांदनी बनाते समय मेरे पास एक दृष्टि की थी इस लड़की को कौन बनाना चाहता है। मैंने श्रीदेवी से कहा कि फिल्म में उनके अधिकांश पोशाक सफेद रहा होगा और देवी ने उनके लिखा कि लीना दारू ने उसे एक विजेता बनाया जब उन्होंने श्रीदेवी के लिए चांदनी लुक बनाया। हर गली नुक्कड़ पर सलवार कमीज और दुपट्टा बचा गया था और इसके लिए वो उसके लेकिन चांदनी में श्रीदेवी के लिए लहरिया दुपट्टे के साथ उनका साधारण लुक सफ़ेद चुराकर और कुर्ता था, जिसके दक्षिणी भोले का एक दिव्य छवि दी चांदनी चौक के स्टोरी की हिट कर दिया। जगपाल डलव्यू बीज यह सिंह ने लुक के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, चोपड़ा अभी भी अपने श्रीदेवी के हैंग ओवर से ओवर नहीं पाए और लगभग हमेशा अपनी भविष्य की भूमिका नायिका को उसी तरह से अविधारित पेश करने के लिए चुना। 1993 में जूही चावला, माधुरी दीक्षित और
पागल 97 है, बीरजारा 2004 पृथ्वी जिंटा, लेकिन उनमें से कहीं भी उतना प्रतिशत नहीं हुआ जितना कि श्रीदेवी की चांदनी के बाद किया था। लगा असफल बक्सन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जोरों के और लौटने के एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया, जो कि यश चोपड़ा सोली के रूप में जानी जाने वाली सभी विशेषता वाली फिल्म थी। नायिका उत्कंठ रोमांटिक भावना तक सुपर अभिजात वर्ग की जीवन शैली का चित्रण मधुर संगीत के साथ विदेश स्थानों में चित्रित गानों में उपयोग किया जाता है। फिल्म में चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग की चिन्हित किया जाता है और ये 1996 की सबसे बड़ी चांदनी के रूप में 14 सितंबर 1989 को जसराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म की एक व्यापक आलोचनात्मक व्यावसायिक सफलता थी और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया और इसे की दशक में 10 मिलियन अधिक बिक्री। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन दृश्यों के योग को समाप्त करने के रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने में फिल्म की साउंडट्रैक की भारी सफलता महत्वपूर्ण भी थी। फिल्म की सफलता में युग के शीर्ष अभिनेत्री के रूप में श्रीदेवी की स्थिति का और मजबूत किया। इन वर्षों में चांदनी की चोपड़ा के बेहतर फिल्मों में से एक के माना जाता है। 37 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चांदनी ने संयुक्त मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। 34वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, श्रीदेवी अभिनेता कपूर, श्रीदेवी सहायक अभिनेता खन्ना, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहमान सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीत हासिल की। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी राजीव एक अमीर जमींदार परिवार के आते हैं और ये बड़ाई के बाद लंदन में भारत लौटता है और अपनी माँ के साथ एक महिला घर में रहता है, जो पहचानते हैं कि वो ठाकुर अजय सिंह की इकलौती बेटी विजय सिंह नाम की एक खूबसूरत युवती से शादी करें। हालांकि राजीव को रजनी से प्यार हो जाते हैं। कनेक्शन के साथ एक अनाथ है, जब राजीव ने उसे अपनी मां को रजनी से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो उसने उसे आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया, लेकिन रजनी के साथ एक अनुकूल मुलाकात के बाद भरोसा किया। शादी के अवस्था की जाती है और वे अपनी शादी का आनंद लेते हैं। भोला नाथ के आने तक सौंपों के अंतरी सक्षम साधु वो राजीव की मां की सूचित करता है। रजनी की इच्छाधारी नागिन है और एक महिला आकार बदलने वाली जहरीले कबीरा, जिसने राजीव के बचपन के दौरान अपने पति को मौत का बदला लेने के लिए राजीव से शादी की है। उसे घर से निकालने के लिए भैरव और उनके शिष्यों के एक पूजा की रजनी को एक सौपेर के पुजारी का धनों से खुद को अपने सांप के रूप में बदलने के लिए मजबूत किया। हालांकि जब राजीव घर में आता है तो रजनी भाग जाता है और केवल भौरों द्वारा पकड़े जाते हैं लिए अपनी साजिश का खुलासा करता है। मनी के साथ दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक युवित्र गहन जिसे केवल रजनी की गजना राजीव भौरा से लड़ता है, जिसे दो सांप लाड लेते हैं और मर जाते हैं। राजीव और रजनी हमेशा खुशी से रह रहे रहते हैं। श्रीदेवी चांदनी माथुर के रूप में ऋषि कपूर, रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना, ललित खन्ना के रूप में लला, लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, उषमा सेठ, अहमानी गुप्ता के रूप में मीनाल वशिष्ठ, करण चावा के रूप में बृजन भास, चावला के रूप में अनंत महादेवन चावा, सचदेवा के बिना चटर्जी, महमन सिंह, महमल गुप्ता के रूप में शिवप्रसाद, माथुर के रूप में बल बजाज, लतीन तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमन दास के रूप में भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर, महेश मेहरा के रूप में देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला, उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बोलते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि वो एक एक्शन फिल्म 1988 की बना रहे हैं तो उन्हें लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म नहीं बनना चाहिए। बाद की उनकी मुलाकात लेखिका कामना चंद्रा से हुई, फिल्म में जिन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग 1982 के लेखन के बाद लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने चोपड़ा की एक सामाजिक रोमांटिक संगीत में फिल्म की कहानी पेश की, जिसे ये संपत्ति आई और उन्होंने सितारों की चुनना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च स्टार्टिंग में चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पटकथा के दूसरे भाग को बदलने के लिए फैसला किया, जिसमें मूल रूप से चांदनी को ललित से शादी करने की थी और एक बेटा पैदा करना था। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म की एक एक्शन सीक्वेंस की मांग शुरू की दी, जो इसे चोपड़ा ने मना कर दिया। मूल रूप से स्क्रिप्ट में श्रीदेवी को आग की घटना के छिपाने के लिए खन्ना की आवश्यकता थी। हालांकि पूरी की गई फिल्म की देखने पर चोपड़ा की लगा कि ये फिल्म एक हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने श्रीदेवी और खन्ना को एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया ताकि उनकी पहली मुलाकात एक दृश्य के फिर से फिल्माया जा सके। संगीत चांदनी की साउंडट्रैक शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा रचा गया था, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रसाद
किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आतन में भाषण में थे राम था जो एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं था। चोपड़ा का अगली फिल्म है लंबे 1991 के लिए कभी मैं हूं ना गीत में और उस राग को और विकसित किया गया जिस शिव हरि ने भी गया था। फिल्म का साउंडट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसमें 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिक्री जो वर्षों की सबसे अधिक कमकने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया। जैसा माना जाता है कि साउंडट्रैक वकायत के कमयात के 1988 की मैंने प्यार किया 1989 के साथ रोमांटिक संगीत शैली के वापस लाने में मदद की। इसके गीतों और गीतों की प्रमुख आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन साउंडट्रैक 4x टेलीविजन हो गया। 25 सप्ताह तक ये 25x प्लैटिनम हो गया। संगीत में योद्धा में एक नया मानक उदाहरण वंचित चांदनी को इसकी रिलीज पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली जिसमें कई आलोचना में भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के एक युग समाप्त करने में रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने की फिल्म के प्रभाव का उजागर कर दिया। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म खचाखच भरी हुई है, वितरकों के थिएटरों की संख्या में भरी बंदी करती है। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनने से एक थी रूप में उभरी थी। बॉलीवुड में और हिंदी फिल्मों में से रोमांस की वापसी फिल्म में श्रीदेवी की स्थिति युग की सबसे महिला स्टार के रूप में महबूद किया। चांदनी ने श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए इंडियन टाइम्स ने लिखा अपने स्क्रीन नाम के अनुसार वो चमक गर्मजोशी और जीवंतता का प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धैर्य से शरीरत करते हैं। उनका क्लासिक दिव्य चरित्र भरा हुआ था जिस दृश्य में वो ऋषि कपूर का सामना करते हैं। उसे रेडी द्वारा यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था। जबकि श्रीदेवी यश चोपड़ा के शीर्ष 5 नामों की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष पर थी। CNN IBM की यश चोपड़ा ने 10 सबसे कामों के नायिका को उसकी कुछ में उसे एक स्थान दिया और ये कहते हुए स्थान चोपड़ा के श्रीदेवी के आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इसे यश चोपड़ा की प्रतिष्ठित यात्री के सूची में शामिल किया। CNN IBN ने इसे द क्लाउड करेक्टर यश चोपड़ा क्रिएटर के सूचीबद्ध किया जबकि ETV ने इसे यश चोपड़ा ग्रेटेस्ट क्रिएशन की अपनी सूची में ये कहते हुए दिखाया गया कि फिल्म श्रीदेवी को राष्ट्र की प्रतियोगिता के रूप में स्थापित किया और के रूप में जन की स्थिति को मजबूत किया। बॉलीवुड में राज करने वाली अभिनेत्री फिल्म में पोशाक डिजाइन भानु अथिया और लीना दारू द्वारा किया गया था। श्रीदेवी के प्रतिष्ठित चांदनी लुक ने उत्तर भारत में फैशन में क्रांति ला दी और अभिनेत्री का पर्याप्त बन गई। एडिप ने कहा कि चमत्कार श्रीदेवी उदार रोमांस के लिए एक बड़े हिंसा के लिए सफेद रंग में हर संभव डिजाइन में विफल हो जाती है और कहीं शिकायत नहीं करता है। लुक के बारे में विफल रहे चोपड़ा ने फिल्म समीक्षकों को राजीव पसंद से कहा चांदनी बनाते समय मेरे पास एक दृष्टि की थी इस लड़की को कौन बनाना चाहता है। मैंने श्रीदेवी से कहा कि फिल्म में उनके अधिकांश पोशाक सफेद रहा होगा और देवी ने उनके लिखा कि लीना दारू ने उसे एक विजेता बनाया जब उन्होंने श्रीदेवी के लिए चांदनी लुक बनाया। हर गली नुक्कड़ पर सलवार कमीज और दुपट्टा बचा गया था और इसके लिए वो उसके लेकिन चांदनी में श्रीदेवी के लिए लहरिया दुपट्टे के साथ उनका साधारण लुक सफ़ेद चुराकर और कुत्ता था जिसके अंदर चीनी भोले का एक दिव्य छवि दी चांदनी चौक के स्टोरी की हिट कर दिया। जगपल रूबी बीज यश सिंह ने लुक के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा चोपड़ा अभी भी अपने श्रीदेवी के हैंग ओवर से उभर नहीं पाए और लगभग हमेशा अपनी भविष्य की भूमिका नायिका को उसी तरह से अभिधारित पेश करने के लिए चुना। डन 1993 में जूही चावला माधुरी दीक्षित और पागल 1997 में वीर चावला 2004 प्रीति जिंटा लेकिन उनमें से कहीं भी उतना प्रतिशत नहीं हुआ जितना कि श्रीदेवी की चांदनी के बाद किया था। लगा असफल बक्सन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जोरों के और लौटने के एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया जो कि यश चोपड़ा शैली के रूप में जानी जाने वाली सभी विशेषता वाली फिल्म थी। नायिका उपकंड रोमांटिक भावना तक सुपर अभिजात वर्ग की जीवन शैली का चित्रण मधुर संगीत के साथ विदेश स्थानों में चित्रित गानों में उपयोग किया जाता है। फिल्म में चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग के चिन्हित किया जाता है और ये 1996 की
सबसे बड़ी चांदनी के रूप में 14 सितंबर 1989 को जसराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म की एक व्यापक आलोचनात्मक व्यावसायिक सफलता थी और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई, जबकि इसका साउंड ट्रैक वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया और इसे की दशक में 10 मिलियन अधिक बिक्री भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन दृश्यों के युग को समाप्त करने के रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने में फिल्म की साउंड ट्रैक की भारी सफलता महत्वपूर्ण भी थी। फिल्म की सफलता में नौ युग के शीर्ष अभिनेत्री के रूप में श्रीदेवी की स्थिति को और मजबूत किया। इन वर्षों में चांदनी की चोपड़ा के बेहतरीन फिल्मों में से एक के माना जाता है। 37वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चांदनी ने संयुक्त मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। 34वें फिल्मफेयर पुरस्कार में फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, श्रीदेवी अभिनेता कपूर, श्रीदेवी सहायक अभिनेता भन्नार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहमान सहित 10 नामांकन प्राप्त हुई और जीत हासिल की। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी राजीव एक अमीर जमींदार परिवार के आते हैं और ये पढ़ाई के बाद लंदन में भारत लौटता है और अपनी माँ के साथ एक महिला घर में रहता है, जो पहचानते हैं कि वो ठाकुर अजय सिंह की इकलौती बेटी विजय सिंह नाम की एक खूबसूरत युवती से शादी करे। हालांकि राजीव को रजनी से प्यार हो जाते हैं। कनेक्शन के साथ एक अनाथ जब राजीव ने उसे अपनी माँ को रजनी से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो उसने उसे आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया, लेकिन रजनी के साथ एक अनुकूल मुलाकात के बाद भरोसा किया। शादी के अवस्था की जाती है और वे अपनी शादी का आनंद लेते हैं। भोलानाथ के आने तक सौंपों के अनुत्तरी सक्षम साधु वो राजीव की मां की सूचित करता है। रजनी की इच्छाधारी नागिन है और एक महिला आकार बदलने वाली जहरीले कबीरा, जिसने राजीव के बचपन के दौरान अपने पति को मौत का बदला लेने के लिए राजीव से शादी की है। उसे घर से निकालने के लिए भैरव और उनके शिष्यों की एक पूजा की। रजनी को एक स्वपेरों के पुजारी का धनों से खुद को अपने सांप के रूप में बदलने के लिए मजबूत किया। हालांकि जब राजीव घर में आता है तो रजनी भाग जाता है और केवल भौरों द्वारा पकड़े जाते हैं, लिए अपनी साजिश का खुलासा करता है। मणि के साथ दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक युवित गेम, जिसे केवल रजनी की गजीना राजीव भौरा से लड़ता है, जिसे दो सांप लाट लेते हैं और मर जाते हैं। राजीव और रजनी हमेशा खुशी से रह रहे रहते हैं। श्रीदेवी चांदनी माथुर के रूप में श्री ऋषि कपूर, रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना, ललित खन्ना के रूप में लला, लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, सुषमा शेख, अमानी गुप्ता के रूप में मीना वशिष्ठ, करण चावला के रूप में बिजनदास, चावला के रूप में अनंत महादेवन, अजावा खजदेवा के बिना चटर्जी, मोहम्मद सिंह, मोहम्मद गुप्ता के रूप में शिवप्रसाद, माथुर के रूप में बाल बजाज, एनती तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमन दास के रूप में भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर, महेश मेहरा के रूप में देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला, उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बोलते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि वो एक एक्शन फिल्म 1988 की बना रहे हैं तो उन्हें लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म को नहीं बनना चाहिए। बात की उनकी मुलाकात लेखिका कामना चंद्रा से हुई, फिल्म में जिन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग 1982 के लेखन के बाद लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने चोपड़ा की एक सामाजिक रोमांटिक संगीत में फिल्म की कहानी पेश की, जिसे ये संपद आई और उन्होंने सितारों की चुनना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च स्टार्टिंग में चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पटकथा के दूसरे भाग को बदलने के लिए फैसला किया, जिसमें मूल रूप से चांदनी को ललित से शादी करने की थी और एक बेटा पैदा करना था। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म की एक एक्शन सीक्वेंस की मांग शुरू की दी, जो इसे चोपड़ा ने मना कर दिया। मूल रूप से स्क्रिप्ट में श्रीदेवी को आग की घटना के छिपाने के लिए खन्ना की आवश्यकता थी। हालांकि पूरी की गई फिल्म की देखने पर चोपड़ा की लगा कि ये फिल्म एक हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने श्रीदेवी और खन्ना को एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया ताकि उनकी पहली मुलाकात एक दृश्य के फिर से फिल्माया जा सके। संगीत चांदनी के साउंड ट्रैक शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा चर्चा गया था, जिन्हें शिव और हरी के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रसाद किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आधार में वंश में थे राम था, जो एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं था। चोपड़ा का अगली फिल्म है लंबे 1991 के लिए कभी मैं हूं ना गीत में और
उस राग को और विकसित किया गया जिस शिव हरि ने भी गया था। फिल्म का साउंडट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसमें 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिक्री, जो वर्षों की सबसे अधिक कमाने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया। ऐसा माना जाता है कि साउंडट्रैक वो कायज के कमायत के 1988 की मैंने प्यार किया 1989 के साथ रोमांटिक संगीत शैली के वापस लाने में मदद की। इसके गीतों और गीतों की प्रमुख आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन साउंडट्रैक 4x टेलीविजन हो गया। 25 सप्ताह तक ये 25x हो गया। संगीत में योद्धाओं में एक नया मेहमाना उदाहरण वंचित चांदनी रोशनी इसकी रिलीज पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें कई आलोचना में भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के एक युग समाप्त करने में रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने की फिल्म का प्रभाव का उजागर कर दिया। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म खचाखच भरी हुई है, वितरकों के थिएटरों की संख्या में भरी बंदी करती है। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनने से एक थी रूप में उभरी थी। बॉलीवुड में और हिंदी फिल्मों में से रोमांस की वापसी, फिल्म में श्रीदेवी की स्थिति युग की सबसे महिला स्टार के रूप में महबूत किया। चांदनी ने श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए इंडियन टाइम्स ने लिखा, अपने स्क्रीन नाम के अनुसार वो चमक गर्मजोशी और जीवंतता का प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धैर्य से सजगत करते हैं। उनका क्लासिक दिव्य चरित्र भरा हुआ था, जिस दृश्य में वो ऋषि कपूर का सामना करते हैं। उसे रेडी द्वारा यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ सदस्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि सीधे भी यश चोपड़ा के 605 नाम की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष पर थी। CNN IBN की यश चोपड़ा ने 10 सबसे प्रमुख नायिका को सूची में उसे एक स्थान दिया और यह कहते हुए स्थान चोपड़ा के श्रीदेवी के आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इसे यश चोपड़ा की प्रतिनिधित्व यात्री के सूची के शामिल किया। CNN IBN ने इसे द क्लर्ट करेक्टर यश चोपड़ा क्रिएटर के सूचीबद्ध किया, जबकि ATV ने इसे यश चोपड़ा क्रिएशन की अपनी सूची में यह कहते हुए दिखाया गया कि फिल्म श्रीदेवी को राष्ट्र की प्रतियोगिता के रूप में स्थापित किया और के रूप में जंग की स्थिति को मजबूत किया। बॉलीवुड में राज करने वाली अभिनेत्री फिल्म में पोशाक डिजाइन भानु अथिया और लीना दारू द्वारा किया गया था। श्रीदेवी के प्रतिष्ठित चांदनी लुक ने उत्तर भारत में फैशन में क्रांति ला दी और अभिनेत्री का पर्याप्त बन गई। एडिप ने कहा कि चमत्कार श्रीदेवी उदार रोमांस के लिए एक बड़े हिस्से के लिए सफेद रंग में हर संभव डिजाइन में विफल जाती है और कई शिकायत नहीं करता है। लुक के बारे में विफल रहे चोपड़ा ने फिल्म समीक्षकों को राजीव पसंद से कहा, चांदनी बनाते समय मेरे पास एक दृष्टि की थी, इस लड़की को कौन बनाना चाहता है। मैंने श्रीदेवी से कहा कि फिल्म में उनकी अधिकांश पोशाक सफेद रहा होगा और देवी ने उनके लिखा कि लीना दारू ने से एक विजेता बनाया जब उन्होंने श्रीदेवी के लिए चांदनी लुक बनाया। हर गली नुक्कड़ पर सलवार कमीज और दुपट्टा बचा गया था और इसके लिए वो उसके लेकिन चांदनी में श्रीदेवी के लिए लहरिया दुपट्टे के साथ उनका साधारण लुक सफ़ेद चुराकर और कुर्ता था, जिसके दक्षिणी भोले का एक दिव्य छवि दी चांदनी चौक के स्टोरी की हिट कर दिया। जगपाल डब्ल्यू बीज यह सिंह ने लुक के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, चोपड़ा अभी भी अपने श्रीदेवी के हैंग ओवर से ओवर नहीं पाए और लगभग हमेशा अपनी भविष्य की भूमिका नायिका को उसी तरह से अविधारित पेश करने के लिए चुना। डर 1993 में जूही चावला माधुरी दीक्षित और पागल 1997 में वीर चावला 1994 प्रीति जिंटा, लेकिन उनमें से कहीं भी उतना प्रतिशत नहीं हुआ जितने कि श्रीदेवी की चांदनी के बाद किया था। लगा असफल अनबक्सन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जोड़ों के और लौटने के एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया, जो कि यश चोपड़ा शोली के रूप में जाने जाने वाली सभी विशेषता वाली फिल्म थी। नायिका उत्कंठ रोमांटिक भावना तक सुपर अभिजात वर्ग की जीवन शैली का चित्रण मधुर संगीत के साथ विदेश स्थानों में चित्रित गानों में उपयोग किया जाता है। फिल्म में चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग के चिन्हित किया जाता है और ये 1996 की
सबसे बड़ी चांदी के रूप में 14 सितंबर 1989 को जसराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म की एक व्यापक आलोचनात्मक व्यावसायिक सफलता थी और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई, जबकि इसका साउंड ट्रैक वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया और इसे की दशक में 10 मिलियन अधिक बिक्री। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन दृश्यों के युग को समाप्त करने के रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने में फिल्म की इसे साउंड ट्रैक की भारी सफलता महत्वपूर्ण भी थी। फिल्म की सफलता में नौ युग के शीर्ष अभिनेत्री के रूप में श्रीदेवी की स्थिति का और मजबूत किया। इन वर्षों में चांदनी की चोपड़ा के बेहतर फिल्मों में से एक के माना जाता है। 37वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चांदनी ने संयुक्त मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। 34वें फिल्मफेयर पुरस्कार में फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ चोपड़ा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी श्रीदेवी अभिनेता कपूर श्रीदेवी सहायक अभिनेता कन्या सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहमान सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीत हासिल की। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी राजीव एक अमीर जमींदार परिवार के आते हैं और ये पढ़ाई के बाद लंदन में भारत लौटता है और अपनी माँ के साथ एक महिला घर में रहता है जो पहचानते हैं कि वो ठाकुर अजय सिंह की इकलौती बेटी विजय सिंह नाम की एक खूबसूरत युवती से शादी करें। हालांकि राजीव को रजनी से प्यार हो जाते हैं। कनेक्शन के साथ एक अनाथ है जब राजीव ने उसे अपनी मां को रजनी से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो उसने उसे आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया, लेकिन रजनी के साथ एक अनुकूल मुलाकात के बाद भरोसा किया। शादी के अवस्था की जाती है और वे अपनी शादी का आनंद लेते हैं। भोलानाथ के आने तक सौंपों के आमंत्रित सक्षम साधु वो राजीव की मां की सूचित करता है। रजनी की इच्छाधारी नागिन है और एक महिला आकार बदलने वाली जहरीले कबीला जिसने राजीव के बचपन के दौरान अपने पति को मौत का बदला लेने के लिए राजीव से शादी की है। उसे घर से निकालने के लिए भैरव और उनके शिष्यों के एक पूजा की रजनी को एक सौपेर के पुजारी का धनों से खुद को अपने सांप के रूप में बदलने के लिए मजबूर किया। हालांकि जब राजीव घर में आता है तो रजनी भाग जाता है और केवल भौरों द्वारा पकड़े जाते हैं। ये अपनी साजिश का खुलासा करता है। मनी के साथ दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक युवित्र गहन जिसे केवल रजनी की योजना राजीव भौरा से लड़ता है जिसे दो सांप लाट लेते हैं और मर जाते हैं। राजीव और रजनी हमेशा खुशी से रह रहते हैं। श्रीदेवी चांदनी माथुर के रूप में ऋषि कपूर, रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना, ललित खन्ना के रूप में लला लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, उषमा सेठ, अहमानी गुप्ता के रूप में मीना वशिष्ठ, करण चावला के रूप में बिजन भास चावला के रूप में अनंत महादेवन अजावा सचदेवा के बिना चटर्जी, मोहम्मद सिंह महमल गुप्ता के रूप में शिव प्रसाद माथुर के रूप में बल बजाज, लतीन तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमन दास के रूप में भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर, महेश मेहरा के रूप में देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला, उत्पादन करण जोहर के साथ फिल्म के बारे में बोलते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि वो एक एक्शन फिल्म 1988 की बना रहे हैं तो उन्हें लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म को नहीं बनना चाहिए। बात की उनकी मुलाकात लेखिका कामना चंद्रा से हुई, फिल्म में जिन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग 1982 के लेखन के बाद लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने चोपड़ा की एक सामाजिक रोमांटिक संगीत में फिल्म की कहानी पेश की जिसे ये संपत्ति आई और उन्होंने सितारों की चुनना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च स्टार्टिंग में चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पटकथा के दूसरे भाग को बदलने के लिए फैसला किया जिसमें मूल रूप से चांदनी को ललित से शादी करने की थी और एक बेटा पैदा करना था। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म की एक एक्शन सीक्वेंस की मांग शुरू की दी जो इसे चोपड़ा ने मना कर दिया। मूल रूप से स्क्रिप्ट में श्रीदेवी को आग की घटना के छिपाने के लिए खन्ना की आवश्यकता थी। हालांकि पूरी की गई फिल्म की देखने पर चोपड़ा की लगा कि ये फिल्म एक हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने श्रीदेवी और खन्ना को एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया ताकि उनकी पहली मुलाकात एक दृश्य के फिर से फिल्माया जा सके। संगीत चांदनी की साउंड ट्रैक शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा रचा गया था जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत अनंत बख्शी द्वारा प्रसाद किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आदरणीय बहुने थे राम था जो एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं था। चोपड़ा को अगली फिल्म है लंबे 1981 के लिए कभी मैं हूं ना गीत में एयर
उस राग को अभिषित किया गया जिसे शिव हरि ने भी गया था। फिल्म का साउंड ट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसने 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिक्री, जो वर्षों की दशक की सबसे अधिक कमकने वाला साउंड ट्रैक एल्बम बन गया। जैसा माना जाता है कि साउंड ट्रैक वकायत के कमयात के 1988 की मैंने प्यार किया 1989 के साथ रोमांटिक संगीत शैली के वापस लाने में मदद की। इसके गीतों और गीतों की प्रमुख आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन साउंड ट्रैक 4x टेलीविजन हो गया। 25 सप्ताह तक ये 25x हो गया। संगीत में योद्धा में एक नया मानक उदाहरण वंचित चांदनी कोशनी इसकी रिलीज पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें कई आलोचना में भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के एक युग समाप्त करने में रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने की फिल्म का प्रभाव का उजागर कर दिया। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म खचाखच भरी हुई है, वितरकों के थिएटरों की संख्या में भरी बंदी करती है। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनने से एक थी रूप में उभरी थी। बॉलीवुड में और हिंदी फिल्मों में से रोमांस की वापसी, फिल्म में श्रीदेवी की स्थिति युग की सबसे महिला स्टार के रूप में महमूद किया। चांदनी ने श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए इंडियन टाइम्स ने लिखा, अपने स्क्रीन नाम के अनुसार वो चमक, गर्मजोशी और जीवंतता का प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धैर्य से प्रेरित करते हैं। उनका क्लासिक दिव्य चरित्र भरा हुआ था, जिस दृश्य में वो ऋषि कपूर का सामना करते हैं। उस रेडी द्वारा यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि श्रीदेवी यश चोपड़ा के शीर्ष 5 नामांकित हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष पर थी। CNN IBN की यश चोपड़ा ने 10 सबसे कम नायिका को उसकी नमकी कुछ में उसे एक स्थान दिया और यह कहते हुए शाम चोपड़ा के श्रीदेवी के आदर्श चांदनी के रूप में अमल कर दिया। इसे यश चोपड़ा की प्रतिद्वंद्वी यात्री के सूची के शामिल किया। CNN IBN ने इसे द क्लर्ट करेक्टर यश चोपड़ा क्रिएटर के सूचीबद्ध किया, जबकि NTV ने इसे यश चोपड़ा गोलस्ट क्रिएशन की अपनी सूची में यह कहते हुए दिखाया कि फिल्म में श्रीदेवी को राष्ट्र की प्रतियोगिता के रूप में स्थापित किया और के रूप में जन की स्थिति को मजबूत किया। बॉलीवुड में राज करने वाली अभिनेत्री फिल्म में पोशाक डिजाइन भानु अथिया और लीना दारू द्वारा किया गया था। श्रीदेवी के प्रतिष्ठित चांदनी लुक ने उत्तर भारत में फैशन में क्रांति ला दी और अभिनेत्री का पर्याप्त बन गई। एडिप ने कहा कि चमत्कार श्रीदेवी उदार रोमांस के लिए एक बड़े हिंस के लिए सफेद रंग में हर संभव डिजाइन में विफल जाती है और कई शिकायत नहीं करता है। लुक के बारे में विफल रहे चोपड़ा ने फिल्म समीक्षकों को राजीव पसंद से कहा, चांदनी बनाते समय मेरे पास एक दृष्टि की थी, इस लड़की को कौन बनाना चाहता है। मैंने श्रीदेवी से कहा कि फिल्म में उनके अधिकांश पेशा के सतेव रहा होगा और देवी ने उनके लिखा कि लीना दारू ने इसे एक विजेता बनाया। जब उन्होंने श्रीदेवी के लिए चांदनी लुक बनाया, हर गली नुक्कड़ पर सलवार कमीज और दुपट्टा बचा गया था और इसके लिए वो उसके लेकिन चांदनी श्रीदेवी के लिए लहरिया दुपट्टे के साथ उनका साधारण लुक सफ़ेद चुनाकर और कुर्ता था, जिसके अंदर चीनी भोले का एक दिव्य छवि दी चांदनी चौक के स्टोरी की हिट कर दिया। जगपाल रिव्यू बीज यह सिंह ने लुक के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, चोपड़ा अभी भी अपने श्रीदेवी के हैंग ओवर से ओवर नहीं पाए और लगभग हमेशा अपनी भविष्य की भूमिका नायिका को उसी तरह से अभिभावित पेश करने के लिए चुना। 1993 में जूही चावला, माधुरी दीक्षित और पागल 1997 में वीर चावला, 1994 प्रीति जिंटा, लेकिन उनमें से कहीं भी उतना प्रतिशत नहीं हुआ जितना कि श्रीदेवी की चांदनी के बाद किया था। लगा असफल बक्सन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जोरों के और लौटने के एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया, जो कि यश चोपड़ा शैली के रूप में जानी जाने वाली सभी विशेषता वाली फिल्म थी। नायिका उत्कंड रोमांटिक भावना तक सुपर अभिजात वर्ग की जीवन शैली का चित्रण मधुर संगीत के साथ विदेश स्थानों में चित्रित गानों में उपयोग किया जाता है। फिल्म में चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग के चिन्हित किया जाता है और ये 1996 की
सबसे बड़ी चांदी के रूप में 14 सितंबर 1989 को जसराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म की एक व्यापक आलोचनात्मक व्यावसायिक सफलता थी और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया और इसे की दशक में 10 मिलियन प्रतिभा बिक्री भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन दृश्यों के योग को समाप्त करने के रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने में फिल्म के साउंडट्रैक की भारी सफलता महत्वपूर्ण भी थी। फिल्म की सफलता में नौ युग की शीर्ष अभिनेत्री के रूप में श्रीदेवी की स्थिति का और मजबूत किया। इन वर्षों में चांदनी की चोपड़ा के बेहतरीन फिल्मों में से एक के माना जाता है। 37वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चांदनी ने फिल्म संयोग मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। 34वें फिल्मफेयर पुरस्कार में फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी श्रीदेवी अभिनेता कपूर श्रीदेवी सहायक अभिनेता भन्नार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहमान सहित 10 नामांकन प्राप्त हुई और जीत हासिल की। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी राजीव एक अमीर जमींदार परिवार के आते हैं और ये पढ़ाई के बाद लंदन में भारत लौटता है और अपनी माँ के साथ एक महिला घर में रहता है जो पहचानते हैं कि वो ठाकुर अजय सिंह की इकलौती बेटी विजय सिंह नाम की एक खूबसूरत युवती से शादी करे। हालांकि राजीव को रजनी से प्यार हो जाते हैं। कनेक्शन के साथ एक अनाथ है। जब राजीव ने उसे अपनी माँ को रजनी से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो उसने उसे आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया, लेकिन रजनी के साथ एक अनुकूल मुलाकात के बाद भरोसा किया। शादी के अवस्था की जाती है और वे अपनी शादी का आनंद लेते हैं। भोरा नाथ के आने तक शौकों के अनुमति सक्षम साधु वो राजीव की मां की सूचित करता है। रजनी की इच्छाधारी नागिन है और एक महिला आकार बदलने वाली जहरीले कबीरा जिसने राजीव के बचपन के दौरान अपने पति को मौत का बदला लेने के लिए राजीव से शादी की है। उसे घर से निकालने के लिए भैरव और उनके शिष्यों के एक पूजा की रजनी को एक सौपेर के पुजारी का धनों से खुद को अपने सांप के रूप में बदलने के लिए मजबूर किया। हालांकि जब राजीव घर में आता है तो रजनी भाग जाता है और केवल भौरों द्वारा पकड़े जाते हैं। ये अपनी साजिश का खुलासा करता है। मणि के साथ दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक पवित्र जैन जिसे केवल रजनी की योजना राजीव भौरा से लड़ता है जिसे दो सांप लाट लेते हैं और मर जाते हैं। राजीव और रजनी हमेशा खुशी से रह रहे होते हैं। श्रीदेवी चांदनी माथुर के रूप में ऋषि कपूर रोहित गुप्ता विनोद खन्ना ललित खन्ना के रूप में लला लता खन्ना के रूप में रहीदा रहमान सुषमा शेठ अमानी गुप्ता के रूप में मीना वशिष्ठ करण चावला के रूप में बिजनदास चावला के रूप में अनंत महादेवन अजावा रजदेवा के बिना चटर्जी मोहम्मद सिंह महमल गुप्ता के रूप में शिव प्रसाद माथुर के रूप में बल बजाज लतीन तिवारी सुहास जोशी रेणु आर्य डॉक्टर आर्यमन दास के रूप में भारत भूषण भल्ला अनुपम खेर महेश मेहरा के रूप में देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला उत्पादन करण जोहर के साथ फिल्म के बारे में बोलते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि वो एक एक्शन फिल्म 1988 की बना रहे हैं तो उन्हें लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म को नहीं बनना चाहिए। बात की उनकी मुलाकात लेखिका कामना चंद्रा से हुई। फिल्म में जिन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग 1982 के लेखन के बाद लोकप्रियता हासिल की थी उन्होंने चोपड़ा की एक सामाजिक रोमांटिक संगीत में फिल्म की कहानी पेश की जिससे ये संपत आई और उन्होंने सितारों की चुनना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च स्टार्टिंग में चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पटकथा के दूसरे भाग को बदलने के लिए फैसला किया जिसमें मूल रूप से चांदनी को ललित से शादी करने की थी और एक बेटा पैदा करना था। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म की एक एक्शन सीक्वेंस की मांग शुरू की थी जो इसे चोपड़ा ने मना कर दिया। मूल रूप से स्क्रिप्ट में श्रीदेवी को आग की घटना के छिपाने के लिए खन्ना की आवश्यकता थी। हालांकि पूरी की गई फिल्म की देखने पर चोपड़ा की लगा कि ये फिल्म एक हिस्सा नहीं लग रहा था इसलिए उन्होंने श्रीदेवी और खन्ना को एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया ताकि उनकी पहली मुलाकात एक दृश्य के फिर से फिल्माया जा सके। गीत चांदनी की साउंडट्रैक शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा चर्चा गया था जिन्हें शिव और हरी के नाम से जाना जाता है। गीत अरुण बख्शी द्वारा प्रसाद किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आदरणीय बात सुनने थे राम था जो एक पूर्ण गीत है सब नहीं था। चोपड़ा का अगली फिल्म है लंबे 1991 के लिए कभी मैं हूं ना गीत में और उस राग को और विकसित किया गया जिस शिव हरी ने भी गया था।
फिल्म का साउंडट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसमें 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिक्री जो वर्षों की दशक के सबसे अधिक कमाने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया। ऐसा माना जाता है कि साउंडट्रैक वकायत के कमायत के 1988 की मैंने प्यार किया 1989 के साथ रोमांटिक संगीत शैली के वापस लाने में मदद की। इसके गीतों और गीतों की प्रमुख आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन साउंडट्रैक 4x टेलीविजन हो गया। 25 सप्ताह तक ये 25x99 हो गया। संगीत में योजना में एक नया मानक उदाहरण वंचित चांदनी को इसकी रिलीज पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें कई आलोचना में भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के एक युग समाप्त करने में रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने की फिल्म के प्रभाव का उजागर कर दिया। चाबी 1989 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म खचाखच भरी हुई है, वितरकों के थिएटरों की संख्या में भरी बंदी करती है। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनने से एक के रूप में उभरी थी। बॉलीवुड में और हिंदी फिल्मों में से रोमांस की वापसी फिल्म ने श्रीदेवी की स्थिति युग सबसे महिला स्टार के रूप में महबूत किया। चांदनी ने श्रीदेवी के प्रदर्शन का प्रमाण करते हुए इंडियन टाइम्स ने लिखा, अपने स्क्रीन नाम के अनुसार वो चमक गर्मजोशी और जीवंतता का प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धैर्य से सजगत करते हैं। उनका क्लासिक दिव्य चरित्र भरा हुआ था, जिस दृश्यों में वो ऋषि कपूर का सामना करते हैं। इस रेडी द्वारा यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि श्रीदेवी यश चोपड़ा के शीर्ष 5 नामों की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष पर थी। CNN IBN की यश चोपड़ा ने 10 सबसे कमों के नायिका को उसकी नमकीन पिच में उसे एक स्थान दिया और ये कहते हुए स्थान चोपड़ा के श्रीदेवी के आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इसे यश चोपड़ा की प्रतिष्ठित यात्री के सूची के शामिल किया। CNN IBN ने इसे द क्लर्ट करेक्टर यश चोपड़ा क्रिएटर के सूचीबद्ध किया, जबकि NTV ने इसे यश चोपड़ा जोगस्ट क्रिएशन की अपनी सूची में ये कहते हुए दिखाया गया कि फिल्म श्रीदेवी को राष्ट्र की प्रतियोगिता के रूप में स्थापित किया और के रूप में जन की स्थिति को मजबूत किया। बॉलीवुड में राज करने वाली अभिनेत्री फिल्म में पोशाक डिजाइन भानु अथिया और लीना दारू द्वारा किया गया था। श्रीदेवी के प्रतिष्ठित चांदनी लुक ने उत्तर भारत में फैशन में क्रांति ला दी और अभिनेत्री का पर्याप्त बन गई। एडिप ने कहा कि चमत्कार श्रीदेवी उदार रोमांस के लिए एक बड़े हिंस के लिए सफेद रंग में हर संभव डिजाइन में विफल हो जाती है और कई शिकायत नहीं करता है। लुक के बारे में विफल रहे चोपड़ा ने फिल्म समीक्षकों को राजीव पसंद से कहा, चांदनी बनाते समय मेरे पास एक दृष्टि की थी, इस लड़की को कौन बनाना चाहता है। मैंने श्रीदेवी से कहा कि फिल्म में उनके अधिकांश पोशाक सफेद रहा होगा और देवी ने लिखा कि लीना दारू ने फिल्म से एक विजेता बनाया जब उन्होंने श्रीदेवी के लिए चांदनी लुक बनाया। हर गली नुक्कड़ पर सलवार कमीज और दुपट्टा बचा गया था और इसके लिए वो उसके लेकिन चांदनी में श्रीदेवी के लिए लहरिया दुपट्टे के साथ उनका साधारण लुक सफ़ेद चुराकर और कुर्ता था, जिसके दक्षिण भोले का एक दिव्य छवि दी चांदनी चौक के स्टोरी की हिट कर दिया। जगपाल रिव्यू बीज यह सिंह ने लुक के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, चोपड़ा अभी भी अपने श्रीदेवी के हैंग ओवर से ओवर नहीं पाए और लगभग हमेशा अपनी भविष्य की भूमुख नायिका को उसी तरह से अविधारित पेश करने के लिए चुना। रन 93 ने जूही चावला माधुरी दीक्षित और पागल 97 ने वीरजाला 92 प्रीति जिंटा, लेकिन उनमें से कहीं भी उतना प्रतिशत नहीं हुआ जितने की श्रीदेवी की चांदनी के बाद किया था। लगा असफल बक्सन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जोरों के और लौटने के एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया, जो कि यश चोपड़ा शैली के रूप में जानी जाने वाली सभी विशेषता वाली फिल्म थी। नायिका उत्कंठ रोमांटिक भावना तक सुपर अभिजात वर्ग की जीवन शैली का चित्रण मधुर संगीत के साथ विदेश स्थानों में चित्रित गानों में उपयोग किया जाता है। फिल्म में चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया जाता है और ये 1996 की
सबसे बड़ी चांदनी की रूप में 14 सितंबर 1989 को जसराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म के व्यापक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी। 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई, जबकि इसका साउंड ट्रैक वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया और इसे की दशक में 10 मिलियन अधिक की बिक्री। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन दृश्यों के युग को समाप्त करने के रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवन करने में फिल्म की इसे साउंड ट्रैक की भारी सफलता महत्वपूर्ण भी थी। फिल्म की सफलता में नौ युग के शीर्ष अभिनेत्री के रूप में श्रीदेवी की स्थिति और मजबूत किया। इन वर्षों में चांदनी चोपड़ा के बेहतर फिल्मों में से एक के माना जाता है। 37वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चांदनी ने संयुक्त मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। 34वें फिल्मफेयर पुरस्कार में फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी श्रीदेवी, अभिनेता कपूर श्रीदेवी, सहायक अभिनेता भन्नार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहमान सहित 10 नामांकन प्राप्त हुई और जीत हासिल की। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी राजीव एवं अमीर जमींदार परिवार के आते हैं और ये पढ़ाई के बाद लंदन में भारत लौटते हैं और अपनी माँ के साथ एक महिला घर में रहता है, जो पहचानते हैं कि वो ठाकुर अजय सिंह की इकलौती बेटी विजय सिंह नाम की एक खूबसूरत युवती से शादी करें। हालांकि राजीव को राजनी से प्यार हो जाते हैं। कनेक्शन के साथ एक अनाथ है, जब राजीव ने उसे अपनी मां को रजनी से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो उसने उसे आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया, लेकिन रजनी के साथ एक अनुकूल मुलाकात के बाद भरोसा किया। शादी के अवस्था की जाती है और वे अपनी शादी का आनंद लेते हैं। भोला नाथ के आने तक सौंपों के अनंतरी सक्षम साधु राजीव की मां की सूचित करता है। रजनी की इच्छाधारी नागिन है और एक महिला आकार बदलने वाली जहरीले कबीरा, जिसने राजीव के बचपन के दौरान अपने पति को मौत का बदला लेने के लिए राजीव से शादी की है। उसे घर से निकालने के लिए भैरव और उनके शिष्यों के एक पूजा की रजनी को एक सौपेर के पुजारी का धनों से खुद को अपने सांप के रूप में बदलने के लिए मजबूर किया। हालांकि जब राजीव घर में आता है तो रजनी भाग जाता है और केवल भौरों द्वारा पकड़े जाते हैं। ये अपनी साजिश का खुलासा करता है। मनी के साथ दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक युवित गेम, जिसे केवल रजनी की योजना राजीव भौरा से लगता है, जिसे दो सांप लाट लेते हैं और मर जाते हैं। राजीव और रजनी हमेशा खुशी से रह रहे होते हैं। श्रीदेवी चांदनी माथुर के रूप में ऋषि कपूर, रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना, ललित खन्ना के रूप में लला, लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, उषमा सेठ, अहमानी गुप्ता के रूप में मीना वशिष्ठ, करण चावला के रूप में बिजनदास चावला के रूप में अनंत महादेवन चावा, सचदेवा के बिना चटर्जी, महावर सिंह, महमल गुप्ता के रूप में शिवप्रसाद, माथुर के रूप में पाल बजाज, लतीन तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमन दास के रूप में भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर, महेश मेहरा के रूप में देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला, उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बोलते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि वो एक एक्शन फिल्म 1988 की बना रहे हैं तो उन्हें लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म नहीं बनना चाहिए। बात की तो उनकी मुलाकात लेखिका कामना चंद्रा से हुई, फिल्म में जिन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग 1982 के लेखन के बाद लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने चोपड़ा की एक सामाजिक रोमांटिक संगीत में फिल्म की कहानी पेश की, जिससे ये संपत्ति आई और उन्होंने सितारों की चुनना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च स्टार्टिंग में चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पटकथा के दूसरे भाग को बदलने के लिए फैसला किया, जिसमें मूल रूप से चांदनी को ललित से शादी करने की थी और एक बेटा पैदा करना था। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म की एक एक्शन सीक्वेंस की मांग शुरू की थी, जो जिसे चोपड़ा ने मना कर दिया। मूल रूप से स्क्रिप्ट में श्रीदेवी को आग की घटना के छिपाने के लिए खन्ना की आवश्यकता थी। हालांकि पूरी की गई फिल्म की देखने पर चोपड़ा की लगा कि ये फिल्म एक हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने श्रीदेवी और खन्ना को एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया ताकि उनकी पहली मुलाकात एक दृश्य के फिर से फिल्माया जा सके। अंजीत चांदनी की साउंड ट्रैक शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा चर्चा गया था, जिन्हें शिव झोरी के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रसाद किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आगामी वक्त में थे राम था, जो एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं था। चोपड़ा का अगली फिल्म है लंबे 1991 के लिए कभी मैं हूं ना गीत में और उस राग को और विकसित किया गया जिस शिव हरि ने भी गया था।
फिल्म का साउंडट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसने 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिक्री, जो वर्ष की सबसे अधिक कमाने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया। ऐसा माना जाता है कि साउंडट्रैक बतायत के 1988 की मैंने प्यार किया, 1989 के साथ रोमांटिक संगीत शैली के वापस लाने में मदद की। इसके गीतों की प्रमुख आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन साउंडट्रैक 4 इंच टेलीविजन हो गया। 25 सप्ताह तक ये 25 इंच हो गया। संगीत में योद्धाओं में एक नया मानक उदाहरण वंचित चांदनी को इसकी रिलीज पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें कई आलोचना में भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के एक युग समाप्त करने में रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने की फिल्म के प्रभाव का उजागर कर दिया। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म खचाखच भरी हुई है, वितरकों के थिएटरों की संख्या में भरी बंदी करती है। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनने से एक थे रूप में उभरी थी। बॉलीवुड में और हिंदी फिल्मों में से रोमांस की वापसी, फिल्म में श्रीदेवी की स्थिति युग शीर्षक महिला स्टार के रूप में महमूद किया। चांदनी ने श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए इंडियन टाइम्स ने लिखा, अपने स्क्रीन नाम के अनुसार वो चमक गर्मजोशी और जीवंतता का प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धैर्य से सजगत करते हैं। उनका क्लासिक दिव्य चरित्र भरा हुआ था, जिस दृश्यों में वो ऋषि कपूर का सामना करते हैं उसे रेडी टीम द्वारा यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि श्रीदेवी यश चोपड़ा के शीर्ष 5 नामों की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष पर थी। CNN IBN की यश चोपड़ा ने 10 सबसे कामों के नायिका को उसकी कंपनी कुछ में उसे एक स्थान दिया और यह कहते हुए स्थान चोपड़ा के श्रीदेवी के आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इसे यश चोपड़ा की प्रतिष्ठित यात्री के सूची के शामिल किया। CNN IBN ने इसे द क्लर्ट करेक्टर यश चोपड़ा केटर के सूचीबद्ध किया, जबकि NTV ने इसे यश चोपड़ा रोगस्ट क्रिएशन की अपनी सूची में यह कहते हुए दिखाया गया कि फिल्म श्रीदेवी को राष्ट्र की प्रतियोगिता के रूप में स्थापित किया और के रूप में जन की स्थिति को मजबूत किया। बॉलीवुड में राज करने वाली अभिनेत्री फिल्म में पोशाक डिजाइन भानु अथिया और लीना दारू द्वारा किया गया था। श्रीदेवी के प्रतिष्ठित चांदनी लुक ने उत्तर भारत में फैशन में क्रांति ला दी और अभिनेत्री का पर्याप्त बन गई। एडिप ने कहा कि चमत्कार श्रीदेवी उदार रोमांस के लिए एक बड़े हिंसे के लिए सफेद रंग में हर संभव डिजाइन में विफल जाती है और कई शिकायत नहीं करता है। लुक के बारे में विफल रहे चोपड़ा ने फिल्म समीक्षक को राजीव पसंद से कहा, चांदनी बनाते समय मेरे पास एक दृष्टि की थी, इस लड़की को कौन बनाना चाहता है। मैंने श्रीदेवी से कहा कि फिल्म में उनके अधिकांश पोशाक सफेद रहा होगा और देवी ने उनके लिखा कि लीना दारू ने उसे एक विजेता बनाया जब उन्होंने श्रीदेवी के लिए चांदनी लुक बनाया। हर गली नुक्कड़ पर सलवार कमीज और दुपट्टा बचा गया था और इसके लिए वो उसके लेकिन चांदनी श्रीदेवी के लिए लहरिया दुपट्टे के साथ उनका साधारण लुक सफ़ेद चुराकर और कुर्ता था, जिसके दक्षिण गोले का एक दिव्य छवि दी चांदनी चौक के स्टोरी की हिट कर दिया। जगपल जुलबी बीज यह सिंह ने लुक के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, चोपड़ा अभी भी अपने श्रीदेवी के हैंग ओवर से ओवर नहीं पाए और लगभग हमेशा अपनी भविष्य की भूमिका नायिका को उसी तरह से अविधारित पेश करने के लिए चुना। 1993 में जूही चावला, माधुरी दीक्षित और पागल 1997 में वीर चावला, 1994 प्रीति जिंटा, लेकिन उनमें से कहीं भी उतना प्रतिशत नहीं हुआ जितने की श्रीदेवी की चांदनी के बाद किया था। लगा असफल इंडक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जोरों के और लौटने के एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया, जो कि यश चोपड़ा शैली के रूप में जानी जाने वाली सभी विशेषता वाली फिल्म थी। नायिका और मुकुंद रोमांटिक भावना तक सुपर अभिजात वर्ग की जीवन शैली का चित्रण मधुर संगीत के साथ विदेश स्थानों में चित्रित गानों में उपयोग किया जाता है। फिल्म में चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग को चिन्हित किया जाता है और ये 1986 की सबसे बड़ी चांदनी की में 14 सितंबर 1989 को जसराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म के एक व्यापक आलोचनात्मक व्यावसायिक सफलता थी। 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया और इसे की दशक में 10 मिलियन
वाली भुतिया बिक्री भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन दृश्यों के योग को समाप्त करने का रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने में फिल्म के साउंड ट्रैक की भारी सफलता महत्वपूर्ण भी थी। फिल्म की सफलता में नौ युग की शीर्ष अभिनेत्री के रूप में श्रीदेवी की स्थिति और मजबूत किया। इन वर्षों में चांदनी की चोपड़ा के बेहतर फिल्मों में से एक के माना जाता है। 37वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चांदनी ने संयुक्त मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। 34वें फिल्म फेयर पुरस्कार में फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी श्रीदेवी अभिनेता कपूर श्रीदेवी सहायक अभिनेता खन्नार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहमान सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीत हासिल की। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी राजीव एक अमीर जमींदार परिवार के आते हैं और ये बड़ाई के बाद लंदन में भारत लौटता है और अपनी माँ के साथ एक महिला उनके घर में रहता है जो पहचानते हैं कि वो ठाकुर अजय सिंह की इकलौती बेटी विजय सिंह नाम की एक खूबसूरत युवती से शादी कर हालांकि राजीव को रजनी से प्यार हो जाते हैं। कनेक्शन के साथ एक अनाथ जब राजीव से अपनी माँ को रजनी से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो उसने उसे आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया, लेकिन राजनी के साथ एक अनुकूल मुलाकात के बाद भरोसा किया। शादी के अवस्था की जाती है और वे अपनी शादी का आनंद लेते हैं। भोला नाथ के आने तक सौंपों के अनुमति सचिव साधु वो राजीव की माँ की सूचित करता है। रजनी की इच्छाधारी नागिन है और एक महिला आकार बदलने वाली जहरीले कबीरा जिसने राजीव के बचपन के दौरान अपने पति को मौत का बदला लेने के लिए राजीव से शादी की है। उसे घर से निकालने के लिए भैरव और उनके शिष्यों के एक पूजा की रजनी को एक सौपेर के पुजारी का धनों से खुद को अपने सांप के रूप में बदलने के लिए मजबूर किया। हालांकि जब राजीव घर में आता है तो रजनी भाग जाता है और केवल भौरों द्वारा पकड़े जाते हैं। ये अपने साजिश का खुलासा करता है। मनी के साथ दुनिया के नियंत्रित करने के लिए एक युवित्र गहन जिसे केवल रजनी की गरीना राजीव भौरा से लड़ता है जिसे दो सांप लाट लेते हैं और मर जाते हैं। राजीव और रजनी हमेशा खुशी से रह रहते हैं। श्रीदेवी चांदनी माथुर के रूप में ऋषि कपूर रोहित गुप्ता विनोद खन्ना ललित खन्ना के रूप में लला लता खन्ना के रूप में महिला रहमान उषमा शेख अमानी गुप्ता के रूप में मीना बशिष्ठ करण चावला के रूप में बिजनदास चावला के रूप में अनंत महादेवन चावला सचदेवा के बिना चटर्जी मोहम्मद सिंह महमद गुप्ता के रूप में शिव प्रसाद माथुर के रूप में बल बजाज लतीन तिवारी सुहास जोशी रेणु आर्य डॉक्टर आर्यमन दास के रूप में भारत भूषण भल्ला अनुपम खेर रमेश मेहरा के रूप में देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बोलते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि वो एक एक्शन फिल्म 1988 की बना रहे हैं तो उन्हें लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म नहीं बनना चाहिए। बाद की उनकी मुलाकात लेखिका कामना चंद्रा से हुई। फिल्म में जिन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग 1982 के लेखन के बाद लोकप्रियता हासिल की थी उन्होंने चोपड़ा की एक सामाजिक रोमांटिक संगीत में फिल्म की कहानी पेश की जिसे ये संपद आई और उन्होंने सितारों की चुनना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च स्टार्टिंग में चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पटकथा के दूसरे भाग को बदलने के लिए फैसला किया जिसमें मूल रूप से चांदनी को ललित से शादी करने की थी और एक बेटा पैदा करना था। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म की एक एक्शन सीक्वेंस की मांग शुरू की थी जो जिसे चोपड़ा ने मना कर दिया। मूल रूप से श्रीदेवी को आग की घटना के छिपाने के लिए खन्ना की आवश्यकता थी। हालांकि पूरी की गई फिल्म की देखने पर चोपड़ा की लग रही थी ये फिल्म एक हिस्सा नहीं लग रहा था इसलिए उन्होंने श्रीदेवी और खन्ना को एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया ताकि उनकी पहली मुलाकात एक दृश्य के फिर से फिल्माया जा सके। गीत चांदनी की साउंड ट्रैक शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा रचा गया था जिन्हें शिव और हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रसाद किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आदरणीय बात में थे राम था जो एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं था। चोपड़ा को अगली फिल्म है लंबे 1981 के लिए कभी मैं हूं ना गीत में और उस राग को और विकसित किया गया जिस शिव हरि ने भी गया था। फिल्म का साउंडट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसमें 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिक्री जो वर्षों की सबसे अधिक कमाने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया। जैसा माना जाता है कि साउंडट्रैक वो क्या 1988 की मैंने प्यार किया 1989 के साथ रोमांटिक संगीत शैली के वापस लाने में मदद की। इसके गीतों और गीतों की प्रमुख आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन साउंडट्रैक 4 इंटू टेलीविजन हो गया। 25 सप्ताह तक ये
25 प्लैटिनम हो गया। संगीत में योद्धा में एक नया मानक उदाहरण वंचित चांदनी को इसकी रिलीज पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें कई आलोचना में भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के एक युग समाप्त करने में रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने की फिल्म के प्रभाव का उजागर कर दिया। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म खचाखच भरी हुई है, वितरकों के थिएटरों की संख्या में भरी बंदी करती है। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनने से एक थी रूप में उभरी थी। बॉलीवुड में और हिंदी फिल्मों में से रोमांस की वापसी, फिल्म में श्रीदेवी की स्थिति युग की सबसे महिला स्टार के रूप में निर्मित किया। चांदनी ने श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए इंडियन टाइम्स ने लिखा, अपने स्क्रीन नाम के अनुसार वो चमक गर्मजोशी और जीवंतता का प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धर्म से प्रेरित करते हैं। उनका क्लासिक दिव्य चरित्र भरा हुआ था, जिस दृश्यों में वो ऋषि कपूर का सामना करते हैं। इस रेडी द्वारा यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि श्रीदेवी यश चोपड़ा के शीर्ष 5 नामांकित थी। हिंदुस्तान टाइम्स की सूची ने शीर्ष पर थी। CNN IBM की यश चोपड़ा ने 10 सबसे कामों के नायिका को उसकी नाम सूची में उसे एक स्थान दिया और ये कहते हुए स्थान चोपड़ा के श्रीदेवी के आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इसे यश चोपड़ा की प्रतिनिधित्व यात्री के सूची के शामिल किया। CNN IBN ने इसे द क्लर्ट कैरेक्टर यश चोपड़ा थिएटर के सूचीबद्ध किया, जबकि NTV ने इसे यश चोपड़ा क्रिएशन की अपनी सूची में ये कहते हुए दिखाया कि फिल्म श्रीदेवी को राष्ट्र की प्रतियोगिता के रूप में स्थापित किया और के रूप में जन की स्थिति को मजबूत किया। बॉलीवुड में राज करने वाली अभिनेत्री लीना पोशाक डिजाइन भानु अथिया और लीना दारू द्वारा किया गया था। श्रीदेवी के प्रतिष्ठित चांदनी लुक ने उत्तर भारत में फैशन में क्रांति ला दी और अभिनेत्री का पर्याप्त बन गई। एडिप ने कहा कि चमत्कार श्रीदेवी उदार रोमांस के लिए एक बड़े हिंस के लिए सफेद रंग में हर संभव डिजाइन में विफल जाती है और कई शिकायत नहीं करता है। लुक के बारे में विफल रहे चोपड़ा ने फिल्म समीक्षकों को राजीव प्रसन्न से कहा, चांदनी बनाते समय मेरे पास एक दृष्टि की थी, इस लड़की को कौन बनाना चाहता है। मैंने श्रीदेवी से कहा कि फिल्म में उनके अधिकांश पोशाक सफेद रहा होगा और देवी ने उनके लिखा कि लीना दारू ने फिल्म से एक विजेता बनाया जब उन्होंने श्रीदेवी के लिए चांदनी लुक बनाया। हर गली नुक्कड़ पर सलवार कमीज और दुपट्टा बचा गया था और इसके लिए वो उसके लेकिन चांदनी में श्रीदेवी के लिए लहरिया दुपट्टे के साथ उनका साधारण लुक सफ़ेद चुराकर और कुर्ता था, जिसके दक्षिणी गोले का एक दिव्य छवि भी चांदनी चौक के स्टोरी की हिट कर दिया। जयपाल विजय सिंह ने लुक के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, चोपड़ा अभी भी अपने श्रीदेवी के हैंग ओवर से ओवर नहीं पाए और लगभग हमेशा अपनी भविष्य की भूमिक नायिका को उसी तरह से अविभावित पेश करने के लिए चुना। 1993 में जूही चावला, माधुरी दीक्षित और अगल 1993 लेकिन उनमें से कहीं भी उतना प्रतिशत नहीं हुआ जितने की श्रीदेवी की चांदनी के बाद किया था। लगा असफल बक्सन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जोरों के और लौटने के एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया, जो कि यश चोपड़ा शैली के रूप में जाने जाने वाली सभी विशेषता वाली फिल्म थी। नायिका उन्मुखंड रोमांटिक भावना तक सुपर अभिजात वर्ग की जीवन शैली का चित्रण मधुर संगीत के साथ विदेश स्थानों में चित्रित गानों में उपयोग किया जाता है। फिल्म में चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग के चिन्हित किया जाता है और ये 1996 की सबसे बड़ी चांदनी के रूप में 14 सितंबर 1989 को जसराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म की एक व्यापक आलोचनात्मक व्यावसायिक सफलता थी। 1999 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया और इसे की दशक में 10 मिलियन अधिक प्रतियां बिक्री। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन दृश्यों के युग को समाप्त करने के रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने में फिल्म की साउंडट्रैक की भारी सफलता महत्वपूर्ण भी थी। फिल्म की सफलता में नव युग की शीर्ष अभिनेत्री के रूप में श्रीदेवी की स्थिति को और मजबूत किया। इन वर्षों में चांदनी की चोपड़ा के बेहतरीन फिल्मों में से एक के माना जाता है। 37वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चांदनी ने
फिल्म प्रेक्षकों को मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। 31 में फिल्मफेयर पुरस्कारों में फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, श्रीदेवी अभिनेता कपूर, श्रीदेवी सहायक अभिनेता खन्ना, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहमान सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीत हासिल की। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, राजीव एक अमीर जमींदार परिवार के आते हैं और ये पढ़ाई के बाद लंदन में भारत लौटता है और अपनी माँ के साथ एक महिला घर में रहता है, जो पहचानते हैं कि वो ठाकुर अजय सिंह की इकलौती बेटी विजय सिंह नाम की एक खूबसूरत युवती से शादी करें। हालांकि राजीव को राजनी से प्यार हो जाते हैं। कनेक्शन के साथ एक अनाथ है, जब राजीव ने उसे अपनी माँ को रजनी से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो उसने उसे आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया, लेकिन राजनी के साथ एक अनुकूल मुलाकात के बाद भरोसा किया। शादी के अवस्था की जाती है और वे अपनी शादी का आनंद लेते हैं। भोला नाथ के आने तक सौंपों के अनंतरी सक्षम साधु वो राजीव की माँ की सूचित करता है। रजनी की इच्छाधारी नागिन है और एक महिला आकार बदलने वाली जहरीले कबीरा, जिसने राजीव के बचपन के दौरान अपने पति को मौत का बदला लेने के लिए राजीव से शादी की है। उसे घर से निकालने के लिए भैरव और उनके विशिष्टों के एक पूजा की रजनी को एक सौपेर के पुजारी का धनों से खुद को अपने सांप के रूप में बदलने के लिए मजबूत किया। हालांकि जब राजीव घर में आता है तो रजनी भाग जाता है और केवल भौरों द्वारा पकड़े जाते हैं। ये अपनी साजिश का खुलासा करता है। मनी के साथ दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक युवित गहन, जिसे केवल रजनी की योजना राजीव भौरा से लड़ता है, जिसे दो सांप लाट लेते हैं और मर जाते हैं। राजीव और रजनी हमेशा खुशी से रहने रहते हैं। सिद्धवी चांदी माथुर के रूप में ऋषि कपूर, रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना, ललित गुप्ता के रूप में लला, लता खन्ना के रूप में महिदा रहमान, सुषमा सेठ, हमारी गुप्ता के रूप में मीना वशिष्ठ चावला के रूप में विजयभास, चावला के रूप में अनंत महादेवन अजावा, सचदेवा के बिना चटर्जी, मोहम्मद सिंह, महमल गुप्ता के रूप में शिवप्रसाद, माथुर के रूप में बल बजाज, लतीन तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमन दास के रूप में भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर, महेश मेहरा के रूप में देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला, उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बोलते हुए ये चोपड़ा ने याद किया कि वो एक एक्शन फिल्म 1988 की बना रहे हैं तो उन्हें लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म नहीं बनना चाहिए। बाद की उनकी मुलाकात लेखिका कामना चंद्रा से हुई, फिल्म में जिन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग 1982 के लेखन के बाद लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने चोपड़ा की एक सामाजिक रोमांटिक संगीत में फिल्म की कहानी पेश की, जिससे ये संपद आई और उन्होंने सितारों की चुनना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च स्टार्टिंग में चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पटकथा के दूसरे भाग को बदलने के लिए फैसला किया, जिसमें मूल रूप से चांदनी को ललित से शादी करने की थी और एक बेटा पैदा करना था। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म की एक एक्शन सीक्वेंस की मांग शुरू की थी, जो इसे चोपड़ा ने मना कर दिया। मूल रूप से श्रीदेवी को आग की घटना के छिपाने के लिए खन्ना की आवश्यकता थी। हालांकि पूरी की गई फिल्म की देखन पर चोपड़ा के लगा कि ये फिल्म एक हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने श्रीदेवी और खन्ना को एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया ताकि उनकी पहली मुलाकात एक दृश्य के फिर से फिल्माया जा सके। संगीत चांदनी की साउंड ट्रैक शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा चर्चा गया था, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रसाद किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आदरणीय भक्त में थे राम था, जो एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं था। चोपड़ा का अगली फिल्म है लंबे 1991 के लिए कभी मैं हूं ना गीत में और उस राग को और विकसित किया गया, जिस शिव हरि ने भी गया था। फिल्म का साउंडट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसमें 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिक्री, जो वर्षों की दशक के सबसे अधिक कमकने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया। ऐसा माना जाता है कि साउंडट्रैक वकायत के कमयात के 1988 की मैंने प्यार किया 1989 के साथ रोमांटिक संगीत शैली के वापस लाने में मदद की। इसके गीतों की प्रमुख आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यशराज फिल्म्स के अनुसार प्रीमियर के दिन साउंडट्रैक 4x टेलीविजन हो गया। 25 सप्ताह तक ये 25x प्लैटिनम हो गया। संगीत में योद्धाओं में एक नया मानक उदाहरण वंचित चांदनी को इसकी रिलीज पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें कई आलोचना में भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के एक युग समाप्त करने में रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने की फिल्म के प्रभाव का उजागर कर दिया। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म
खचाखच भरी हुई है वितरकों के थिएटरों की संख्या में भरी बंदी करती है। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनने से एक थी रूप में उभरी थी। बॉलीवुड में और हिंदी फिल्मों में से रोमांस की वापसी। फिल्म में श्रीदेवी की स्थिति युग की सबसे महिला स्टार के रूप में निर्मित किया। चादनी ने श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए इंडियन टाइम्स ने लिखा, अपने स्क्रीन नाम के अनुसार वो चमक गर्मजोशी और जीवंतता का प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धर्म से सजगत करते हैं। उनका क्लासिक दिव्य चरित्र भरा हुआ था। जिस विश्व में वो ऋषि कपूर का सामना करते हैं उसे रेडी द्वारा यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ विश्वों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था। जबकि श्रीदेवी यश चोपड़ा के शीर्ष 5 नामों की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष पर थी। CNN IBN की यश चोपड़ा ने 10 सबसे कम नायिका को उसकी कंपनी कुछ में उसे एक स्थान दिया और ये कहते हुए स्थान चोपड़ा के श्रीदेवी के आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इसे यश चोपड़ा की प्रतिनिधित्व यात्री के सूची के शामिल किया। CNN IBN ने इसे द क्लाउड करेक्टर यश चोपड़ा क्रिएटर के सूचीबद्ध किया, जबकि NTV ने इसे यश चोपड़ा क्रिएशन की अपनी सूची में ये कहते हुए दिखाया कि फिल्म श्रीदेवी को राष्ट्र की प्रतियोगिता के रूप में स्थापित किया और के रूप में जन की स्थिति को मजबूत किया। बॉलीवुड में राज करने वाली अभिनेत्री फिल्म में पोशाक डिजाइन भानु अथिया और लीना दारू द्वारा किया गया था। श्रीदेवी के प्रतिष्ठित चांदनी लुक ने उत्तर भारत में फैशन में क्रांति ला दी और अभिनेत्री का पर्याप्त बन गई। एडिप ने कहा कि चमत्कार श्रीदेवी उदार रोमांस के लिए एक बड़े हिस्से के लिए सफेद रंग में हर संभव डिजाइन में विफल जाती है और कई शिकायत नहीं करता है। लुक के बारे में विफल रहे चोपड़ा ने फिल्म समीक्षकों को राजीव पसंद से कहा, चांदनी बनाते समय मेरे पास एक दृष्टि की थी, इस लड़की को कौन बनाना चाहता है। मैंने श्रीदेवी से कहा कि फिल्म में उनके अधिकांश पोशाक सफेद रहा होगा और देवी ने उनके लिखा कि लीना दारू ने फिल्म से एक विजेता बनाया जब उन्होंने श्रीदेवी के लिए चांदनी लुक बनाया। हर गली नुक्कर पर सलवार कमीज और दुपट्टा बचा गया था और इसके लिए वो उसके लेकिन चांदनी में श्रीदेवी के लिए लहरिया दुपट्टे के साथ उनका साधारण लुक सफ़ेद चुराकर और कुर्ता था, जिसके दक्षिणी भोले का एक दिव्य छवि दी चांदनी चौक के स्टोरी की हिट कर दिया। जगपाल डुलबियू बीज यह सिंह ने लुक के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, चोपड़ा अभी भी अपने श्रीदेवी के हैंग ओवर से ओवर नहीं पाए और लगभग हमेशा अपनी भविष्य की भूमुख नायिका को उसी तरह से अविधारित पेश करने के लिए चुना। डन 1983 में जूही चावला, माधुरी दीक्षित और पागल 1987 में बीरजाला, 1994 प्रीति जिंटा, लेकिन उनमें से कहीं भी उतना प्रतिशत नहीं हुआ जितने की श्रीदेवी की चांदनी के बाद किया था। लगा असफल बक्सन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जोड़ों के और लौटने के एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया, जो कि यश चोपड़ा सोली के रूप में जानी जाने वाली सभी विशेषता वाली फिल्म थी। नायिका उपखंड रोमांटिक भावना तक सुपर अभिजात वर्ग की जीवन शैली का चित्रण मधुर संगीत के साथ विदेश स्थानों में चित्रित गानों में उपयोग किया जाता है। फिल्म में चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग के चिन्हित किया जाता है और ये 1996 की सबसे बड़ी चांदनी के रूप में 14 सितंबर 1989 को जसराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म की एक व्यापक आलोचनात्मक व्यावसायिक सफलता थी और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया और सह की दशक में 10 मिलियन अधिक बिक्री। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन दृश्यों के युग को समाप्त करने के रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने में फिल्म के साउंडट्रैक की भारी सफलता महत्वपूर्ण भी थी। फिल्म की सफलता में नौ युग शीर्ष अभिनेत्री के रूप में श्रीदेवी की स्थिति का और मजबूत किया। इन वर्षों में चांदनी की चोपड़ा के बेहतर फिल्मों में से एक के माना जाता है। 37 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चांदनी ने संयुक्त मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। 34वें फिल्मफेयर पुरस्कार में फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनेता कपूर, श्रीदेवी सहायक अभिनेता भन्नार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहमान सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीत हासिल की। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी राजीव एक अमीर जमींदार परिवार के आते हैं और ये पढ़ाई के बाद लंदन में भारत लौटता है और अपनी माँ के साथ एक महिला
उनका घर में रहता है, जो पहचानते हैं कि वो ठाकुर अजय सिंह की इकलौती बेटी विजय सिंह नाम की एक खूबसूरत युवती से शादी करें। हालांकि राजीव को रजनी से प्यार हो जाते हैं। कनेक्शन के साथ एक अनाथ है, जब राजीव ने उसे अपनी माँ को रजनी से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो उसने उसे आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया, लेकिन रजनी के साथ एक अनुकूल मुलाकात के बाद भरोसा किया। शादी के अवस्था की जाती है और वे अपनी शादी का आनंद लेते हैं। भोलानाथ के आने तक सौंपों के अनंतरी सक्षम साधु वो राजीव की मां की सूचित करता है। रजनी की इच्छाधारी नागिन है और एक महिला आकार बदलने वाली जहरीले कबीरा, जिसने राजीव के बचपन के दौरान अपने पति को मौत का बदला लेने के लिए राजीव से शादी की है। उसे घर से निकालने के लिए भैरव और उनके शिष्यों के एक पूजा की। रजनी को एक सौपेर के पुजारी का धनों से खुद को अपने सांप के रूप में बदलने के लिए मजबूत किया। हालांकि जब राजीव घर में आता है तो रजनी भाग जाता है और केवल भौरों द्वारा पकड़े जाते हैं। ये अपनी साजिश का खुलासा करता है। मणि के साथ दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक यवित्र गहन, जिसे केवल रजनी की गजना राजीव भोरा से लड़ता है, जैसे दो सांप लाड लेते हैं और मर जाते हैं। राजीव और रजनी हमेशा खुशी से रह रहे रहते हैं। सिद्धि चांदनी माथुर के रूप में ऋषि कपूर, रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना, ललित खन्ना के रूप में लला, लता खन्ना के रूप में महिला रहमान, सुषमा शेख, हमारे गुप्ता के रूप में मीना वशिष्ठ, करण चावला के रूप में बिजन भास, चावला के रूप में अनंत महादेवन, अजावा सचदेवा, बिना चटर्जी, मोहम्मद सिंह, मोहम्मद गुप्ता के रूप में शिवप्रसाद, माथुर के रूप में बल बजाज, लतीन तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमन दास के रूप में भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर, उमेश मेहरा के रूप में देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला, उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बोलते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि वो एक एक्शन फिल्म 1988 की बना रहे हैं तो उन्हें लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म नहीं बनना चाहिए। बाद की उनकी मुलाकात लेखिका कामना चंद्रा से हुई, फिल्म में जिन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग 1982 के लेखन के बाद लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने चोपड़ा की एक सामाजिक रोमांटिक संगीत में फिल्म की कहानी पेश की, जिसे ये संपद आई और उन्होंने सितारों की चुनना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च स्टार्टिंग में चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पटकथा के दूसरे भाग को बदलने के लिए फैसला किया, जिसमें मूल रूप से चांदनी को ललित से शादी करने की थी और एक बेटा पैदा करना था। विनोद खन्ना के कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म की एक एक्शन सीक्वेंस की मांग शुरू की थी, जो इसे चोपड़ा ने मना कर दिया। मूल रूप से स्क्रिप्ट में श्रीदेवी को आग की घटना के छिपाने के लिए खन्ना की आवश्यकता थी। हालांकि पूरी की गई फिल्म की देखने पर चोपड़ा की लगा कि ये फिल्म एक हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने श्रीदेवी और खन्ना को एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया ताकि उनकी पहली मुलाकात एक दृश्य के फिर से फिल्माया जा सके। दिलजीत चांदनी की साउंड ट्रैक शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा रचा गया था, जिन्हें शिव और हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रसाद किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आदर में वास्तव में थे राम था, जो एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं था। चोपड़ा का अगली फिल्म है लंबे 1991 के लिए कभी मैं हूँ ना गीत में ए और उस राग को और विकसित किया गया, जिसे शिव हरि ने भी गाया था। फिल्म का साउंडट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसमें 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिक्री, जो वर्षों की सबसे अधिक कमकीने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया। जैसा माना जाता है कि साउंडट्रैक वकायत के कमायत के 1988 की मैंने प्यार किया 1989 के साथ रोमांटिक संगीत शैली के वापस लाने में मदद की। इसके गीतों और गीतों की प्रमुख आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यशराज फिल्म्स के अनुसार प्रीमियर के दिन साउंडट्रैक 4x टेलीविजन हो गया। 25 सप्ताह तक ये 25x हो गया। संगीत में योद्धाओं में एक नया मानक उदाहरण वंचित चांदनी को इसकी रिलीज पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें कई आलोचना में भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के एक युग समाप्त करने में रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने की फिल्म का प्रभाव का उजागर कर दिया। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म खचाखच भरी हुई है, वितरकों के थिएटरों की संख्या में भरी बंदी करती है। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनने से एक थी रूप में उभरी थी। बॉलीवुड में और हिंदी फिल्मों में से रोमांस की वापसी, फिल्म में श्रीदेवी की स्थिति युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में निर्मित किया। चांदनी ने श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए इंडियन टाइम्स ने लिखा, अपने स्क्रीन नाम के अनुसार वो चमक
गर्मजोशी और जीवंतता का प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धैर्य से संयत करते हैं। उनका क्लासिक दिव्य चरित्र भरा हुआ था, जिस दृश्य में वो ऋषि कपूर का सामना करते हैं, जिसे रेडी द्वारा यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि श्रीदेवी यश चोपड़ा के शीर्ष 5 नामों की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष पर थी। CNN IBN की यश चोपड़ा ने 10 सबसे कम नायिका को उसकी रैंकिंग कुछ में उसे एक स्थान दिया और ये कहते हुए स्थान चोपड़ा के श्रीदेवी के आदर्श चांदनी के रूप में अमल कर दिया। इसे यश चोपड़ा की प्रतिदित यात्री के सूची के शामिल किया। CNN IBN ने इसे द क्लर्ट करेक्टर यश चोपड़ा क्रिएटर के सूचीबद्ध किया, जबकि NTV ने इसे यश चोपड़ा ग्रेटेस्ट क्रिएशन की अपनी सूची में यह कहते हुए दिखाया गया कि फिल्म श्रीदेवी को श्रेष्ठ की प्रतियोगिता के रूप में स्थापित किया और के रूप में जन की स्थिति को मजबूत किया। बॉलीवुड में राज करने वाली अभिनेत्री फिल्म में पोशाक डिजाइन भानु अथिया और लीना दारू द्वारा किया गया था। श्रीदेवी के प्रतिष्ठित चांदनी लुक ने उत्तर भारत में फैशन में क्रांति ला दी और अभिनेत्री का पर्याप्त बन गई। एडिप ने कहा कि चमत्कार श्रीदेवी उदार रोमांस के लिए एक बड़े हिंस के लिए सफेद रंग में हर संभव डिजाइन में विफल जाती है और कहीं शिकायत नहीं करता है। लुक के बारे में विफल रहे चोपड़ा ने फिल्म समीक्षकों को राजीव पसंद से कहा, चांदनी बनाते समय मेरे पास एक दृष्टि की थी, इस लड़की को कौन बनाना चाहता है। मैंने श्रीदेवी से कहा कि फिल्म में उनके अधिकांश पोशाक सफेद रहा होगा और देवी ने उनके लिखा कि लीना दारू ने फिल्म से एक विजेता बनाया जब उन्होंने श्रीदेवी के लिए चांदनी लुक बनाया। हर गली नुक्कड़ पर सवाल सलवार कमीज और दुपट्टा बचा गया था और इसके लिए वो उसके लेकिन चांदनी में श्रीदेवी के लिए लहरिया दुपट्टे के साथ उनका साधारण लुक सफ़ेद चुराकर और कुर्ता था, जिसके दक्षिणी भोले का एक दिव्य छवि दी चांदनी चौक के स्टोरी की हिट कर दिया। जगपाल रिव्यू बीज यह सिंह ने लुक के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, चोपड़ा अभी भी अपने श्रीदेवी के हैंग ओवर से ओवर नहीं पाए और लगभग हमेशा अपनी भविष्य की भूमिका को नायिका को उसी तरह से अधिधारित पेश करने के लिए चुना। रन 1993 है जूही चावला माधुरी दीक्षित और पागल 1997 है बीरजारा 2004 प्रीति जिंटा, लेकिन उनमें से कहीं भी उतना प्रतिशत नहीं हुआ जितना कि श्रीदेवी की चांदनी के बाद किया था। लगा असफल बक्सन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जोरों के और लौटने के एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया, जो कि यश चोपड़ा सोली के रूप में जानी जाने वाली सभी विशेषता वाली फिल्म थी। नायिका उन्मुखंड रोमांटिक भावना तक सुपर अभिजात वर्ग की जीवन शैली का चित्रण मधुर संगीत के साथ विदेश स्थानों में चित्रित गानों में उपयोग किया जाता है। फिल्म में चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग के चिन्हित किया जाता है और ये 1996 की सबसे बड़ी चांदनी के रूप में 14 सितंबर 1989 को जसराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म की एक व्यापक आलोचनात्मक व्यावसायिक सफलता थी। 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया और इसे की दशक में 10 मिलियन अधिक प्रक्रिया बिक्री। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन दृश्यों के युग को समाप्त करने के रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने में फिल्म के साउंडट्रैक की भारी सफलता महत्वपूर्ण भी थी। फिल्म की सफलता में नौ युग शीर्ष अभिनेत्री के रूप में श्रीदेवी की स्थिति का और मजबूत किया। इन वर्षों में चांदनी की चोपड़ा के बेहतर फिल्मों में से एक के माना जाता है। 37 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चांदनी ने फिल्म संयुक्त मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। 31 में फिल्मफेयर पुरस्कार में फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनेता कपूर श्रीदेवी सहायक अभिनेता खन्ना सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहमान सहित 10 नामांकन प्राप्त हुई और जीत हासिल की। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी राजीव एक अमीर जमींदार परिवार के आते हैं और ये पढ़ाई के बाद लंदन में भारत लौटता है और अपनी माँ के साथ एक महिला उनके घर में रहता है, जो पहचानते हैं कि वो ठाकुर अजय सिंह की इकलौती बेटी विजय सिंह नाम की एक खूबसूरत युवती से शादी करें। हालांकि राजीव को रजनी से प्यार हो जाते हैं। कनेक्शन के साथ एक अनाथ है, जब राजीव ने उसे अपनी मां को रजनी से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो उसने उसे आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया, लेकिन रजनी के साथ एक अनुकूल मुलाकात के बाद भरोसा किया। शादी के अवस्था की जाती है और वे अपनी शादी का आनंद लेते हैं। भोलानाथ के आने तक सौंपों के अनंतरी सक्षम साधु वो राजीव की मां की सूचित करता है। रजनी की इच्छाधारी नागिन है और एक महिला
आकार बदलने वाली जहरीले कबीरा, जिसने राजीव के बचपन के दौरान अपने पति को मौत का बदला लेने के लिए राजीव से शादी की है। उसे घर से निकालने के लिए भैरव और उनके शिष्यों के एक पूजा की रजनी को एक सौपेर के पुजारी का धनों से खुद को अपने सांप के रूप में बदलने के लिए मजबूत किया। हालांकि जब राजीव घर में आता है तो रजनी भाग जाता है और केवल भौरों द्वारा पकड़े जाते हैं लिए अपनी साजिश का खुलासा करता है। मणि के साथ दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक युवित्र जिसे केवल रजनी की गजना राजीव भौरा से लड़ता है, जिसे दो सांप लाड लेते हैं और मर जाते हैं। राजीव और रजनी हमेशा खुशी से रह रहे होते हैं। सिद्धवी चांदी माथुर के रूप में ऋषि कपूर, रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना, ललित खन्ना के रूप में लला, लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, उषमा सेठ, हमारी गुप्ता के रूप में मीना वशिष्ठ, करण चावला के रूप में बिजन भास, चावला के रूप में अनंत महादेवन, अजावा सचदेवा के बिना चटर्जी, महावर सिंह, महामल गुप्ता के रूप में शिव प्रसाद, माथुर के रूप में बल बजाज, लतीन तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमन दास के रूप में भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर, रमेश मेहरा के रूप में देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला, उत्पादन करण जोहर के साथ फिल्म के बारे में बोलते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि वो एक एक्शन फिल्म 1988 की बना रहे हैं तो उन्हें लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म नहीं बनना चाहिए। बात की तो उनकी मुलाकात लेखिका कामना चंद्रा से हुई, फिल्म में जिन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग 1982 के लेखन के बाद लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने चोपड़ा की एक सामाजिक रोमांटिक संगीत फिल्म की कहानी पेश की, जिसे ये संपत्ति आई और उन्होंने सितारों की चुनना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च स्टार्टिंग में चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पटकथा के दूसरे भाग को बदलने के लिए फैसला किया, जिसमें मूल रूप से चांदनी को ललित से शादी करने की थी और एक बेटा पैदा करना था। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म की एक एक्शन सीक्वेंस की मांग शुरू की दी, जो इसे चोपड़ा ने मना कर दिया। मूल रूप से स्क्रिप्ट में श्रीदेवी को आग की घटना के छिपाने के लिए खन्ना की आवश्यकता थी। हालांकि पूरी की गई फिल्म की देखन पर चोपड़ा की लगा कि ये फिल्म एक हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने श्रीदेवी और खन्ना को एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया ताकि उनकी पहली मुलाकात एक दृश्य के फिर से फिल्माया जा सके। संगीत चांदनी की साउंड ट्रैक शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा रचा गया था, जिन्हें शिव हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रसाद किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आदरणीय भक्त में थे राम था, जो एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं था। चोपड़ा का अगली फिल्म है लंबे 1981 के लिए कभी मैं हूं ना गीत में और उस राग को और विकसित किया गया, जिस शिव हरि ने भी गया था। फिल्म का साउंडट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसमें 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिक्री, जो वर्षों की सबसे अधिक कमकने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया। जैसा माना जाता है कि साउंडट्रैक बकायद के कमयात के 1988 की मैंने प्यार किया, 1989 के साथ रोमांटिक संगीत शैली के वापस लाने में मदद की। इसके गीतों और गीतों की प्रमुख आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यशराज फिल्म्स के अनुसार प्रीमियर के दिन साउंडट्रैक 4x टेलीविजन हो गया। 25 सप्ताह तक 25x39 हो गया। संगीत में योद्धाओं में एक नया मानक उदाहरण वंचित चांदनी को इसकी रिलीज पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें कई आलोचना में भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के एक युग समाप्त करने में रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने की फिल्म के प्रभाव का उजागर कर दिया। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म खचाखच भरी हुई है, वितरकों के थिएटरों की संख्या में भरी बंदी करती है। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनने से एक थे रूप में उभरी थी। बॉलीवुड में और हिंदी फिल्मों में से रोमांस की वापसी, फिल्म में श्रीदेवी की स्थिति युग की सबसे महिला स्टार के रूप में निर्मित किया। चांदनी ने श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए इंडियन टाइम्स ने लिखा, अपने स्क्रीन नाम के अनुसार वो चमक, गर्मजोशी और जीवंतता का प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धर्म से सजगत करते हैं। उनका क्लासिक दिव्य चरित्र भरा हुआ था, जिस दृश्य में वो ऋषि कपूर का सामना करते हैं। उस रेडी द्वारा यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि श्रीदेवी यश चोपड़ा के शीर्ष 5 नामों की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष पर थी। CNN IBN की यश चोपड़ा ने 10 सबसे कामों के नायिका को उसकी नंबर कुछ में उसे एक स्थान दिया और यह कहते हुए स्थान चोपड़ा के श्रीदेवी के आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इसे यश चोपड़ा की प्रतिदित यात्री के सूची के शामिल किया।
CNN IBN ने इसे द क्लाउड करेक्टर यश चोपड़ा क्रिएटर के सूचीबद्ध किया, जबकि NTV ने इसे यश चोपड़ा ग्रोगस्ट क्रिएशन की अपनी सूची में यह कहते हुए दिखाई है कि फिल्म ने श्रीदेवी को राष्ट्र की प्रतियोगिता के रूप में स्थापित किया और के रूप में जन की स्थिति को मजबूत किया। बॉलीवुड में राज करने वाली अभिनेत्री फिल्म में पोशाक डिजाइन भानु अथिया और लीना दारू द्वारा किया गया था। श्रीदेवी के प्रतिष्ठित चांदनी लुक ने उत्तर भारत में फैशन में क्रांति ला दी और अभिनेत्री का पर्याप्त बन गई। एडिप ने कहा कि चमत्कार श्रीदेवी उदार रोमांस के लिए एक बड़े हिंसक के लिए भपेद रंग में हर संभव डिजाइन में विफल जाती है और कहीं शिकायत नहीं करता है। लुक के बारे में विफल रहे चोपड़ा ने फिल्म समीक्षकों को राजीव पसंद से कहा, चांदनी बनाते समय मेरे पास एक दृष्टि की थी, इस लड़की को कौन बनाना चाहता है। मैंने श्रीदेवी से कहा कि फिल्म में उनके अधिकांश पोशाक सदैव रहा होगा और देवी ने उनके लिखा कि लीना दारू ने फिल्म से एक विजेता बनाया जब उन्होंने श्रीदेवी के लिए चांदनी लुक बनाया। हर गली नुक्कर पर सलवार कमीज और दुपट्टा बचा गया था और इसके लिए वो उसके लेकिन चांदनी श्रीदेवी के लिए लहरिया दुपट्टे के साथ उनका साधारण लुक सफ़ेद चुराकर और कुर्ता था, जिसके दक्षिणी भोले का एक दिव्य छवि दी चांदनी चौक के स्टोरी की हिट कर दिया। जगपाल डब्ल्यू बीज यह सिंह ने लुक के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, चोपड़ा अभी भी अपने श्रीदेवी के हैंग ओवर से ओवर नहीं पाए और लगभग हमेशा अपनी भविष्य की भूमुख नायिका को उसी तरह से अभिधारित पेश करने के लिए चुना। 1993 में जूही चावला, माधुरी दीक्षित और पागल 1997 में बीरजाला, 2004 प्रीति जिंटा, लेकिन उनमें से कहीं भी उतना प्रतिशत नहीं हुआ जितना कि श्रीदेवी की चांदनी के बाद किया था। लगा असफल बक्सन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जोरों के और लौटने के एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया, जो कि यश चोपड़ा सोली के रूप में जानी जाने वाली सभी विशेषता वाली फिल्म थी। नायिका मुखंड रोमांटिक भावना तक सुपर अभिजात वर्ग की जीवन शैली का चित्रण मधुर संगीत के साथ विदेश स्थानों में चित्रित गानों में उपयोग किया जाता है। फिल्म में चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग के चिन्हित किया जाता है और ये 1996 की सबसे बड़ी चांदनी के रूप में 14 सितंबर 1989 को जसराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म की एक व्यापक आलोचनात्मक व्यावसायिक सफलता थी और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया और इसे की दशक में 10 मिलियन अधिपकिया बिक्री। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन दृश्यों के युग को समाप्त करने के रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने में फिल्म की साउंडट्रैक की भारी सफलता महत्वपूर्ण भी थी। फिल्म की सफलता में नौ युग शीर्ष अभिनेत्री के रूप में श्रीदेवी की स्थिति का और मजबूत किया। इन वर्षों में चांदनी की चोपड़ा के बेहतरीन फिल्मों में से एक के माना जाता है। 37 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चांदनी ने संयुक्त मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। 34 फिल्म फेयर पुरस्कार में फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनेता कपूर, श्रीदेवी सहायक अभिनेता खन्ना, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहमान सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीत हासिल की। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी राजीव एक अमीर जमींदार परिवार के आते हैं और ये बड़ाई के बाद लंदन में भारत लौटता है और अपनी माँ के साथ एक महिला उनका घर में रहता है, जो पहचानते हैं कि वो ठाकुर अजय सिंह की इकलौती बेटी विजय सिंह नाम की एक खूबसूरत युवती से शादी करें। हालांकि राजीव को रजनी से प्यार हो जाते हैं। कनेक्शन के साथ एक अनाथ है, जब राजीव ने उसे अपनी मां को रजनी से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो उसने उसे आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया, लेकिन रजनी के साथ एक अनुकूल मुलाकात के बाद भरोसा किया। शादी के अवस्था की जाती है और वे अपनी शादी का आनंद लेते हैं। भोलानाथ के आने तक सौंपों के अंतरी सक्षम साधु वो राजीव की मां की सूचित करता है। रजनी की इच्छाधारी नागिन है और एक महिला आकार बदलने वाली जहरीले कबीरा, जिसने राजीव के बचपन के दौरान अपने पति को मौत का बदला लेने के लिए राजीव से शादी की है। उसे घर से निकालने के लिए भैरव और उनके विशिष्टों के एक पूजा की रजनी को एक सौपेर के पुजारी का धनों से खुद को अपने सांप के रूप में बदलने के लिए मजबूत किया। हालांकि जब राजीव घर में आता है तो रजनी भाग जाता है और केवल भौरों द्वारा पकड़े जाते हैं, लिए अपनी साजिश का खुलासा करता है। मणि के साथ दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक युवित्र गहन जिसे केवल रजनी की गजना राजीव भौरा से लड़ता है, जैसे दो सांप लाड
लेते हैं और मर जाते हैं। राजीव और रजनी हमेशा खुशी से रह रहते हैं। श्रीदेवी चांदनी माथुर के रूप में सी ऋषि कपूर रोहित गुप्ता विनोद खन्ना ललित खन्ना के रूप में लला लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान सुषमा सेठ अमानी गुप्ता के रूप में मीनार वशिष्ठ करण चावला के रूप में ब्रिजेंद्रदास चावला के रूप में अनंत महादेवन अजावा सचदेवा के बिना चटर्जी महमन सिंह महमल गुप्ता के रूप में शिव प्रसाद माथुर के रूप में बल बजाज लतीन तिवारी सुहास जोशी रेणु आर्य डॉक्टर आर्यमन दास के रूप में भारत भूषण भल्ला अनुपम खेर रमेश महेश मेहरा के रूप में देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बोलते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि वो एक एक्शन फिल्म 1988 की बना रहे हैं तो उन्हें लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्मों को नहीं बनना चाहिए। बाद की उनकी मुलाकात लेखिका कामना चंद्रा से हुई फिल्म में जिन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग 1982 के लेखन के बाद लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने चोपड़ा की एक सामाजिक रोमांटिक संगीत में फिल्म की कहानी पेश की जिससे ये संपत्ति आई और उन्होंने सितारों की चुनना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च स्टार्टिंग में चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पटकथा के दूसरे भाग को बदलने के लिए फैसला किया जिसमें मूल रूप से चांदनी को ललित से शादी करने की थी और एक बेटा पैदा करना था। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म की एक एक्शन सीक्वेंस की मांग शुरू की दी जो इसे चोपड़ा ने मना कर दिया। मूल रूप से स्क्रिप्ट में श्रीदेवी को आग की घटना के छिपाने के लिए खन्ना की आवश्यकता थी। हालांकि पूरी की गई फिल्म की देखने पर चोपड़ा की लगा कि ये फिल्म एक हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने श्रीदेवी और खन्ना को एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया ताकि उनकी पहली मुलाकात एक दृश्य के फिर से फिल्माया जा सके। संगीत चांदनी की साउंड ट्रैक शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा रचा गया था जिन्हें शिव और हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रसाद किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आदरणीय वास्तव में थे राम था जो एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं था। चोपड़ा का अगली फिल्म है लंबे 1991 के लिए कभी मैं हूं ना गीत में और उस राग को और विकसित किया गया जिस शिव हरि ने भी गया था। फिल्म का साउंडट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसमें 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिक्री जो वर्षों की सबसे अधिक कमकने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया। जैसा माना जाता है कि साउंडट्रैक बकायद के कमयात के 1988 की मैंने प्यार किया 1989 के साथ रोमांटिक संगीत शैली के वापस लाने में मदद की। इसके गीतों और गीतों की प्रमुख आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन साउंडट्रैक 4x टेलीविजन हो गया। 25 सप्ताह तक ये 25x प्लैटिनम हो गया। संगीत में योग्योग में एक नया नमाना उदाहरण वंचित चांदनी को इसकी रिलीज पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली जिसमें कई आलोचना में भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के एक युग समाप्त करने में रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने की फिल्म के प्रभाव का उजागर कर दिया। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म खचाखच भरी हुई है, वितरकों के थिएटरों की संख्या में भरी बंदी करती है। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनने से एक थी रूप में उभरी थी। बॉलीवुड में और हिंदी फिल्मों में से रोमांस की वापसी फिल्म में श्रीदेवी की स्थिति युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में महबूत किया। चांदनी ने श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए इंडियन टाइम्स ने लिखा अपने स्क्रीन नाम के अनुसार वो चमक गर्मजोशी और जीवंतता का प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धैर्य से सजगत करते हैं। उनका क्लासिक दिव्य चरित्र भरा हुआ था जिस दृश्यों में वो ऋषि कपूर का सामना करते हैं उसे रेडी द्वारा यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था। जबकि श्रीदेवी यश चोपड़ा के शीर्ष 5 नामों की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष पर थी। CNN IBN की यश चोपड़ा ने 10 सबसे कामों के नायिका को उसकी नंबर सूची में उसे एक स्थान दिया और ये कहते हुए स्थान चोपड़ा के श्रीदेवी के आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इसे यश चोपड़ा की प्रतिद्वंद्वी यात्री के सूची के शामिल किया। CNN IBN ने इसे द क्लर्ट करेक्टर यश चोपड़ा क्रिएटर के सूचीबद्ध किया जबकि NTV ने इसे यश चोपड़ा ग्रेटेस्ट क्रिएशन की अपनी सूची में यह कहते हुए दिखाया गया कि फिल्म श्रीदेवी को राष्ट्र की प्रतियोगिता के रूप में स्थापित किया और के रूप में जन की स्थिति को मजबूत किया। बॉलीवुड में राज करने वाली अभिनेत्री फिल्म में पोशाक डिजाइन भानु अथिया और लीना दारू द्वारा किया गया था। श्रीदेवी के प्रतिष्ठित चांदनी लुक ने उत्तर भारत में फैशन में क्रांति ला दी और अभिनेत्री का पर्याप्त बन गई। एडिप ने कहा कि चमत्कार
कुमार श्रीदेवी उदार रोमांस के लिए एक बड़े हिंस के लिए भपेद रंग में हर संभव डिजाइन में विफल जाती है और कहीं शिकायत नहीं करता है। लुक के बारे में विफल रहे चोपड़ा ने फिल्म समीक्षकों को राजीव पसंद से कहा, चांदनी बनाते समय मेरे पास एक दृष्टि की थी, इस लड़की को कौन बनाना चाहता है। मैंने श्रीदेवी से कहा कि फिल्म में उनके अधिकांश पोशाक सदैव रहा होगा और देवी ने उनके लिखा कि लीना दारू ने फिल्म से एक विजेता बनाया जब उन्होंने श्रीदेवी के लिए चांदनी लुक बनाया। हर गली नुक्कड़ पर सवाल सलवार कमीज और दुपट्टा बचा गया था और इसके लिए वो उसके लेकिन चांदनी में श्रीदेवी के लिए लहरिया दुपट्टे के साथ उनका साधारण लुक सफ़ेद चुराकर और कुर्ता था जिसके दक्षिणी भोले का एक दिव्य छवि दी चांदनी चौक के स्टोरी की हिट कर दिया। जगपाल डलव्यू बीज यह सिंह ने लुक के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, चोपड़ा अभी भी अपने श्रीदेवी के हैंग ओवर से ओवर नहीं पाए और लगभग हमेशा अपनी भविष्य की भूमुख नायिका को उसी तरह से अविधारित पेश करने के लिए चुना। डर 1993 में जूही चावला, माधुरी दीक्षित और पागल 1997 ने वीर चावला, 2004 प्रीति जिंटा, लेकिन उनमें से कहीं भी उतना प्रतिशत नहीं हुआ जितना कि श्रीदेवी की चांदनी के बाद किया था। लगा असफल बक्सन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जोरों के और लौटने के एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया जो कि यश चोपड़ा सोली के रूप में जानी जाने वाली सभी विशेषता वाली फिल्म थी। नायिका उन्मुखंड रोमांटिक भावना तक सुपर अभिजात वर्ग की जीवन शैली का चित्रण मधुर संगीत के साथ विदेश स्थानों में चित्रित गानों में उपयोग किया जाता है। फिल्म में चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग के चिन्हित किया जाता है और ये 1996 की सबसे बड़ी चांदनी के रूप में 14 सितंबर 1989 को जसराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म की एक व्यापक आलोचनात्मक व्यावसायिक सफलता थी और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया और इसे की दशक में 10 मिलियन अधिक बिक्री। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन दृश्यों के युग को समाप्त करने के रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने में फिल्म की साउंडट्रैक की भारी सफलता महत्वपूर्ण भी थी। फिल्म की सफलता में नव युग के शीर्ष अभिनेत्री के रूप में श्रीदेवी की स्थिति का और मजबूत किया। इन वर्षों में चांदनी की चोपड़ा के बेहतरीन फिल्मों में से एक के माना जाता है। 37 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चांदनी ने संयुक्त मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के पुरस्कार जीता। 34 में फिल्मफेयर पुरस्कार में फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी श्रीदेवी अभिनेता कपूर श्रीदेवी सहायक अभिनेता खन्ना सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहमान सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीत हासिल की। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी राजीव एक अमीर जमींदार परिवार के आते हैं और ये बड़ाई के बाद लंदन में भारत लौटता है और अपनी माँ के साथ एक महिला उनके घर में रहता है जो पहचानते हैं कि वो ठाकुर अजय सिंह की इकलौती बेटी विजय सिंह नाम की एक खूबसूरत युवती से शादी करें। हालांकि राजीव को रजनी से प्यार हो जाते हैं। कनेक्शन के साथ एक अनाथ है जब राजीव ने उसे अपनी मां को रजनी से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो उसने उसे आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया लेकिन रजनी के साथ एक अनुकूल मुलाकात के बाद भरोसा किया। शादी की व्यवस्था की जाती है और वे अपनी शादी का आनंद लेते हैं। भोलानाथ के आने तक सौंपों के अनंतर सक्षम साधु वो राजीव की मां की सूचित करता है। रजनी की इच्छाधारी नागिन है और एक महिला आकार बदलने वाली जहरीले कबीरा जिसने राजीव के बचपन के दौरान अपने पति को मौत का बदला लेने के लिए राजीव से शादी की है। उसे घर से निकालने के लिए भैरव और उनके शिष्यों के एक पूजा की रजनी को एक सौपेर के पुजारी का धनों से खुद को अपने सांप के रूप में बदलने के लिए मजबूत किया। हालांकि जब राजीव घर में आता है तो रजनी भाग जाता है और केवल भौरों द्वारा पकड़े जाते हैं लिए अपनी साजिश का खुलासा करता है। मणि के साथ दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक पवित्र गहन जिसे केवल रजनी की गजना राजीव भौरा से लड़ता है जिसे दो सांप लाट लेते हैं और मर जाते हैं। राजीव और रजनी हमेशा खुशी से रह रहते हैं। श्रीदेवी चांदनी माथुर के रूप में ऋषि कपूर, रीत गुप्ता, विनोद खन्ना, ललित खन्ना के रूप में लला लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, उषमा सेठ, अहमानी गुप्ता के रूप में मीना वशिष्ठ, करण चावला के रूप में बृजेंद्रास चावला के रूप में अनंत महादेवन चावला, सचदेवा के बिना चटर्जी, मोहम्मद सिंह महमल गुप्ता के रूप में शिव प्रसाद माथुर के रूप में
इकबाल बजाज, लतीन तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमन दास के रूप में, भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर, महेश मेहरा के रूप में, देविका शास्त्री के रूप में, जूही चावला। उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बोलते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि वो एक एक्शन फिल्म 1988 की बना रहे हैं, तो उन्हें लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म को नहीं बनना चाहिए। बात की कि उनकी मुलाकात लेखिका कामना चंद्रा से हुई, फिल्म में जिन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग 1982 के लेखन के बाद लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने चोपड़ा की एक सामाजिक रोमांटिक संगीत में फिल्म की कहानी पेश की, जिससे ये संपत्ति आई और उन्होंने सितारों की चुनना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च स्टार्टिंग में चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पटकथा के दूसरे भाग को बदलने के लिए फैसला किया, जिसमें मूल रूप से चांदनी को ललित से शादी करने की थी और एक बेटा पैदा करना था। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म की एक एक्शन सीक्वेंस की मांग शुरू की दी, जो इसे चोपड़ा ने मना कर दिया। मूल रूप से स्क्रिप्ट में श्रीदेवी को आग की घटना के छिपाने के लिए खन्ना की आवश्यकता थी। हालांकि पूरी की गई फिल्म की देखन पर चोपड़ा की लगा कि ये फिल्म एक हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने श्रीदेवी और खन्ना को एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया, ताकि उनकी पहली मुलाकात एक दृश्य के फिर से फिल्माया जा सके। संगीत चांदनी की साउंड ट्रैक शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा रचा गया था, जिन्हें शिव और हरि के नाम से जाना जाता है। गीत अनंत बख्शी द्वारा प्रसाद किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आतंक में वास्तव में थे राम था, जो एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं था। चोपड़ा का अगली फिल्म है लंबे 1981 के लिए कभी मैं हूँ ना गीत में और उस राग को और विकसित किया गया, जिसे शिव हरि ने भी गाया था। फिल्म का साउंडट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसने 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिक्री, जो वर्षों की सबसे अधिक कमकीने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया। जैसा माना जाता है कि साउंडट्रैक वकायत के कमयात के 1988 की मैंने प्यार किया, 1989 के साथ रोमांटिक संगीत शैली के वापस लाने में मदद की। इसके गीतों और गीतों की प्रमुख आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यशराज फिल्म्स के अनुसार प्रीमियर के दिन साउंडट्रैक 4x टेलीविजन हो गया, 25 सप्ताह तक ये 25x 39 हो गया। संगीत में योद्धाओं में एक नया मानक उदाहरण वंचित चांदनी को इसकी रिलीज पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें कई आलोचना में भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के एक युग समाप्त करने में रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने की फिल्म के प्रभाव का उजागर कर दिया। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म खचाखच भरी हुई है, वितरकों के थिएटरों की संख्या में भरी बंदी करती है। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनने से एक थी रूप में उभरी थी। बॉलीवुड में और हिंदी फिल्मों में से रोमांस की वापसी, फिल्म में श्रीदेवी की स्थिति युग की सबसे महिला स्टार के रूप में महबूत किया। चांदनी ने श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए इंडियन टाइम्स ने लिखा, अपने स्क्रीन नाम के अनुसार वो चमक गर्मजोशी और जीवंतता का प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धैर्य से संयत करते हैं। उनका क्लासिक दिव्य चरित्र भरा हुआ था, जिस दृश्य में वो ऋषि कपूर का सामना करते हैं उसे रेडी द्वारा यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि श्रीदेवी यश चोपड़ा के 105 नामों की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष पर थी। CNN IBN की यश चोपड़ा ने 10 सबसे कामों के नायिका को उसकी अपनी सूची में उसे एक स्थान दिया और ये कहते हुए स्थान चोपड़ा के श्रीदेवी के आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इसे यश चोपड़ा की प्रतिदित यात्री के सूची के शामिल किया। CNN IBN ने इसे द क्लर्ट करेक्टर यश चोपड़ा क्रिएटर के सूचीबद्ध किया, जबकि NTV ने इसे यश चोपड़ा रोगस्ट क्रिएशन की अपनी सूची में ये कहते हुए दिखाया गया कि फिल्म श्रीदेवी को राष्ट्र की प्रतियोगिता के रूप में स्थापित किया और के रूप में जन की स्थिति को मजबूत किया। बॉलीवुड में राज करने वाली अभिनेत्री फिल्म में पोशाक डिजाइन भानु अथिया और लीना दारू द्वारा किया गया था। श्रीदेवी के प्रतिष्ठित चांदनी लुक ने उत्तर भारत में फैशन में क्रांति ला दी और अभिनेत्री का पर्याप्त बन गई। एडिप ने कहा कि चमत्कार श्रीदेवी उदार रोमांस के लिए एक बड़े हिंस के लिए सफेद रंग में हर संभव डिजाइन में विफल हो जाती है और कई शिकायत नहीं करता है। लुक के बारे में विफल रहे चोपड़ा ने फिल्म समीक्षकों को राजीव पसंद से कहा, चांदनी बनाते समय मेरे पास एक दृष्टि की थी, इस लड़की को कौन बनाना चाहता है। मैंने श्रीदेवी से कहा कि फिल्म में उनके अधिकांश पोशाक सदैव रहा होगा और देवी ने उनके लिखा कि लीना
दारू ने फिल्म से एक विजेता बनाया जब उन्होंने श्रीदेवी के लिए चांदनी लुक बनाया। हर गली नुक्कर पर सलवार कमीज और दुपट्टा बचा गया था और इसके लिए वो उसके लेकिन चांदनी में श्रीदेवी के लिए लहरिया दुपट्टे के साथ उनका साधारण लुक सफ़ेद चुराकर और कुर्ता था जिसके दक्षिणी भोले का एक दिव्य छवि थी। चांदनी चौक के स्टोरी की हिट कर दिया। जगपाल डब्ल्यू विजय सिंह ने लुक के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, चोपड़ा अभी भी अपने श्रीदेवी के हैंग ओवर से ओवर नहीं पाए और लगभग हमेशा अपनी भविष्य की भूमिका नायिका को उसी तरह से अविधारित पेश करने के लिए चुना। 1993 में जूही चावला, माधुरी दीक्षित और अगल 97 में बीरजाला, 2004 प्रीति जिंटा, लेकिन उनमें से कहीं भी उतना प्रतिशत नहीं हुआ जितना कि श्रीदेवी की चांदनी के बाद किया था। लगा असफल बक्सन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जोरों के और लौटने के एक रोमांटिक संगीतमय फिल्म बनाने का फैसला किया जो कि यश चोपड़ा सोली के रूप में जानी जाने वाली सभी विशेषता वाली फिल्म थी। नायिका मुकुंद रोमांटिक भावना तक सुपर अभिजात वर्ग की जीवन शैली का चित्रण मधुर संगीत के साथ विदेश स्थानों में चित्रित गानों में उपयोग किया जाता है। फिल्म में चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग के चिन्हित किया जाता है और ये 1996 की सबसे बड़ी चांदनी के रूप में 14 सितंबर 1989 को जसराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म की एक व्यापक आलोचनात्मक व्यावसायिक सफलता थी और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया और इसे की दशक में 10 मिलियन अधिपतिया बिक्री। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन दृश्यों के युग को समाप्त करने के रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने में फिल्म की साउंडट्रैक की भारी सफलता महत्वपूर्ण भी थी। फिल्म की सफलता में नौ युग के शीर्ष अभिनेत्री के रूप में श्रीदेवी के स्थिति का और मजबूत किया। इन वर्षों में चांदनी की चोपड़ा के बेहतर फिल्मों में से एक के माना जाता है। 37वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चांदनी ने फिल्म के संयुक्त मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। 34वें फिल्मफेयर पुरस्कार में फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, श्रीदेवी अभिनेता कपूर, श्रीदेवी सहायक अभिनेता खन्ना, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहमान सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीत हासिल की। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी राजीव एक अमीर जमींदार परिवार के आते हैं और ये पढ़ाई के बाद लंदन में भारत लौटता है और अपनी माँ के साथ एक महिला घर में रहता है जो पहचानते हैं कि वो ठाकुर अजय सिंह की इकलौती बेटी विजय सिंह नाम की एक खूबसूरत युवती से शादी करें। हालांकि राजीव को रजनी से प्यार हो जाते हैं। कनेक्शन के साथ एक अनाथ है जब राजीव ने उसे अपनी मां को रजनी से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो उसने उसे आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया लेकिन रजनी के साथ एक अनुकूल मुलाकात के बाद भरोसा किया। शादी के अवस्था की जाती है और वे अपनी शादी का आनंद लेते हैं। भोलानाथ के आने तक सौंपों के सक्षम साधु बोल राजीव की मां की सूचित करता है। रजनी की इच्छाधारी नागिन है और एक महिला आकार बदलने वाली जहरीले कबीरा जिसने राजीव के बचपन के दौरान अपने पति को मौत का बदला लेने के लिए राजीव से शादी की है। उसे घर से निकालने के लिए भैरव और उनके शिष्यों के एक पूजा की रजनी को एक सौपेरों के पुजारी का धनों से खुद को अपने सांप के रूप में बदलने के लिए मजबूत किया। हालांकि जब राजीव घर में आता है तो रजनी भाग जाता है और केवल भैरव द्वारा पकड़े जाते हैं। ये अपनी साजिश का खुलासा करता है। मनी के साथ दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक पवित्र गेंद जिसे केवल रजनी की गेंदना राजीव भोरा से लड़ता है जैसे दो सांप लाट लेते हैं और मर जाते हैं। राजीव और रजनी हमेशा खुशी से रह रहे रहते हैं। श्रीदेवी चांदनी माथुर के रूप में ऋषि कपूर, रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना, ललित खन्ना के रूप में लला, लता खन्ना के रूप में बहिरा रहमान, सुमा शेख, अहमानी गुप्ता के रूप में मीना वशिष्ठ, करण चावला के रूप में बृजन भास, चावला के रूप में अनंत महादेवन, अजावा सचदेवा के बिना चटर्जी, महावन सिंह, महमल गुप्ता के रूप में शिव प्रसाद, माथुर के रूप में गोपाल बजाज, लतीन तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमन दास के रूप में भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर, महेश नेहरा के रूप में देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला। उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बोलते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि वो एक एक्शन फिल्म 1988 की बना रहे हैं तो उन्हें लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म को नहीं बनना चाहिए। बाद में उनकी मुलाकात लेखिका कामना चंद्रा से हुई। फिल्म में जिन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग 1982 के लेखन के बाद लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने चोपड़ा की एक सामाजिक रोमांटिक संगीत में फिल्म की कहानी पेश की जिसे ये संपत्ति आई
और उन्होंने सितारों की चुनना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च स्टार्टिंग में चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पटकथा के दूसरे भाग को बदलने के लिए फैसला किया, जिसमें मूल रूप से चांदनी को ललित से शादी करने की थी और एक बेटा पैदा करना था। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म की एक एक्शन सीक्वेंस की मांग पूरी की दी, जो इसे चोपड़ा ने मना कर दिया। मूल रूप से स्क्रिप्ट में श्रीदेवी को आग की घटना के छिपाने के लिए खन्ना की आवश्यकता थी। हालांकि पूरी की गई फिल्म की देखने पर चोपड़ा की लगा कि ये फिल्म एक हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने श्रीदेवी और खन्ना को एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया ताकि उनकी पहली मुलाकात एक दृश्य के फिर से फिल्माया जा सके। संगीत चांदनी की साउंड ट्रैक शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा रचा गया था, जिन्हें शिव और हरि के नाम से जाना जाता है। गीत अनंत बख्शी द्वारा प्रसाद किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आदरणीय भक्त में थे राम था, जो एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं था। चोपड़ा को अगली फिल्म है लंबे 1991 के लिए कभी मैं हूं ना गीत में और उस राग को और विकसित किया गया, जिस शिव हरि ने भी गया था। फिल्म का साउंडट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसमें 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिक्री, जो वर्षों की सबसे अधिक कमकीने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया है। जैसा माना जाता है कि साउंडट्रैक वकायत के कमयात के 1988 की मैंने प्यार किया, 1989 के साथ रोमांटिक संगीत शैली के वापस लाने में मदद की। इसके गीतों और गीतों की प्रमुख आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यशराज फिल्म के अनुसार प्रीमियर के दिन साउंडट्रैक 4x टेलीविजन हो गया। 25 सप्ताह तक ये 25x हो गया। संगीत में योद्धाओं में एक नया निर्माण उदाहरण वंचित चांदनी कोशनी इसकी रिलीज पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें कई आलोचना में भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन फिल्मों के एक युग समाप्त करने में रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने की फिल्म के प्रभाव का उजागर कर दिया। चांदनी 1989 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी। द हिंदू ने कहा कि फिल्म खचाखच भरी हुई है, वितरकों के थिएटरों की संख्या में भरी बंदी करती है। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनने से एक थे रूप में उभरी थी। बॉलीवुड में और हिंदी फिल्मों में से रोमांस की वापसी, फिल्म में श्रीदेवी की स्थिति युग की शीर्ष महिला स्टार के रूप में महबूज किया। चांदनी ने श्रीदेवी के प्रदर्शन का प्रणाम करते हुए इंडियन टाइम्स ने लिखा, अपने स्क्रीन नाम के अनुसार वो चमक गर्मजोशी और जीवंतता का प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धर्म से सजगत करते हैं। उनका कलाचित दिव्य चरित्र भरा हुआ था, जिस दृश्यों में वो ऋषि कपूर का सामना करते हैं उसे रेडी द्वारा यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि श्रीदेवी यश चोपड़ा के शीर्ष 5 नामों की हिंदुस्तान टाइम्स की सूची में शीर्ष पर थी। CNN IBM की यश चोपड़ा ने 10 सबसे कम नायिका को उसकी सूची में उसे एक स्थान दिया और यह कहते हुए स्थान चोपड़ा के श्रीदेवी के आदर्श चांदनी के रूप में अमल कर दिया। इसे यश चोपड़ा की प्रतिष्ठित यात्री के सूची में शामिल किया। CNN IBM ने इसे द कल्ट करेक्टर यश चोपड़ा क्रिएटर के सूचीबद्ध किया, जबकि ATV ने इसे यश चोपड़ा ग्रेटेस्ट क्रिएशन की अपनी सूची में यह कहते हुए दिखाया गया कि फिल्म श्रीदेवी को राष्ट्र की प्रतियोगिता के रूप में स्थापित किया और के रूप में जन की स्थिति को मजबूत किया। बॉलीवुड में राज करने वाली अभिनेत्री फिल्म में पोशाक डिजाइन भानु अथिया और लीना दारू द्वारा किया गया था। श्रीदेवी के प्रतिष्ठित चांदनी लुक ने उत्तर भारत में फैशन में क्रांति ला दी और अभिनेत्री का पर्याप्त बन गई। एडिप ने कहा कि चमत्कार श्रीदेवी उदार रोमांस के लिए एक बड़े हिंस के लिए सफेद रंग में हर संभव डिजाइन में विफल जाती है और कहीं शिकायत नहीं करता है। लुक के बारे में विफल रहे चोपड़ा ने फिल्म समीक्षकों राजीव पसंद से कहा, चांदनी बनाते समय मेरे पास एक दृष्टि की थी, इस लड़की को कौन बनाना चाहता है। मैंने श्रीदेवी से कहा कि फिल्म में उनके अधिकांश पोशाक सफेद रहा होगा और देवी ने उनके लिखा कि लीना दारू ने फिल्म से एक विजेता बनाया जब उन्होंने श्रीदेवी के लिए चांदनी लुक बनाया है। हर गली नुक्कड़ पर सलवार कमीज और दुपट्टा बचा गया था और इसके लिए वो उसके लेकिन चांदनी में श्रीदेवी के लिए लहरिया दुपट्टे के साथ उनका साधारण लुक सफ़ेद चुराकर और कुर्ता था, जिसके दक्षिणी भोले का एक दिव्य छवि दी चांदनी चौक के स्टोरी की हिट कर दिया। जगपाल डलब्यू बीज
यश सिंह ने लुक के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, चोपड़ा अभी भी अपने श्रीदेवी के हैंग ओवर से ओवर नहीं पाए और लगभग हमेशा अपनी भविष्य की प्रमुख नायिका को उसी तरह से अभिधारित पेश करने के लिए चुना। डन 1993 में जूही चावला, माधुरी दीक्षित और पागल 1997 में वीर चावला, 1994 प्रीति जिंटा, लेकिन उनमें से कहीं भी उतना प्रतिशत नहीं हुआ जितना कि श्रीदेवी की चांदनी के बाद किया था। लगा असफल बक्सन फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद चोपड़ा ने अपनी जोरों के और लौटने के एक रोमांटिक संगीत में फिल्म बनाने का फैसला किया, जो कि यश चोपड़ा सोली के रूप में जानी जाने वाली सभी विशेषता वाली फिल्म थी। नायिका उखंड रोमांटिक भावना तक सुपर अभिजात वर्ग की जीवन शैली का चित्रण मधुर संगीत के साथ विदेश स्थानों में चित्रित गानों में उपयोग किया जाता है। फिल्म में चोपड़ा और श्रीदेवी के बीच पहले सहयोग के चिन्हित किया जाता है और ये 1996 की सबसे बड़ी चांदनी के रूप में 14 सितंबर 1989 को दशराज फिल्म द्वारा रिलीज किया गया था। फिल्म की एक व्यापक आलोचनात्मक व्यावसायिक सफलता थी और 1989 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म में से एक बन गई, जबकि इसका साउंडट्रैक वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया और इस की 10.10 मिलियन अधिक बकिया बिक्री। भारतीय सिनेमा में हिंसक एक्शन दृश्यों के युग को समाप्त करने के रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवंत करने में फिल्म की साउंडट्रैक की भारी सफलता महत्वपूर्ण भी थी। फिल्म की सफलता में नौ युग के शीर्ष अभिनेत्री के रूप में श्रीदेवी की स्थिति का और मजबूत किया। इन वर्षों में चांदनी की चोपड़ा के बेहतरीन फिल्मों में से एक के माना जाता है। 37 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चांदनी ने संयुक्त मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता। 34 फिल्म फेयर पुरस्कार में फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीदेवी, श्रीदेवी अभिनेता कपूर, श्रीदेवी सहायक अभिनेता घन्नार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री सहमान सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और जीत हासिल की। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी राजीव एक अमीर जमींदार परिवार के आते हैं और ये पढ़ाई के बाद लंदन में भारत लौटता है और अपनी माँ के साथ एक महिला घर में रहता है, जो पहचानते हैं कि वो ठाकुर अजय सिंह की इकलौती बेटी विजय सिंह नाम की एक खूबसूरत युवती से शादी करे। हालांकि राजीव को रजनी से प्यार हो जाते हैं। कनेक्शन के साथ एक अनाथ है, जब राजीव ने उसे अपनी मां को रजनी से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताया तो उसने उसे आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया, लेकिन रजनी के साथ एक अनुकूल मुलाकात के बाद भरोसा किया। शादी के अवस्था की जाती है और वे अपनी शादी का आनंद लेते हैं। भोला नाथ के आने तक सौंपों के अंतरी सक्षम साधु वो राजीव की मां की सूचित करता है। रजनी की इच्छाधारी नागिन है और एक महिला आकार बदलने वाली जहरीले कबीला, जिसने राजीव के बचपन के दौरान अपने पति को मौत का बदला लेने के लिए राजीव से शादी की है। उसे घर से निकालने के लिए भैरव और उनके शिष्यों के एक पूजा की रजनी को एक सौपेर के पुजारी का धनों से खुद को अपने सांप के रूप में बदलने के लिए मजबूत किया। हालांकि जब राजीव घर में आता है तो रजनी भाग जाता है और केवल भौरों द्वारा पकड़े जाते हैं, ये अपनी साजिश का खुलासा करता है। मणि के साथ दुनिया के नियंत्रित करने के लिए एक युवित्र गहन, जिसे केवल रजनी की गजना राजीव भौरा से लड़ता है, जिसे दो सांप लाट लेते हैं और मर जाते हैं। राजीव और रजनी हमेशा खुशी से रह रहते हैं। श्रीदेवी चांदनी माथुर के रूप में ऋषि कपूर, रोहित गुप्ता, विनोद खन्ना, ललित खन्ना के रूप में लला, लता खन्ना के रूप में वहीदा रहमान, उषमा सेठ, अमानी गुप्ता के रूप में मीना वशिष्ठ, करण चावा के रूप में बृजन भास, चावला के रूप में अनंत महादेवन, अजावा सचदेवा के बिना चटर्जी, महमन सिंह, महमल गुप्ता के रूप में शिव प्रसाद, माथुर के रूप में बल बजाज, लतीन तिवारी, सुहास जोशी, रेणु आर्य, डॉक्टर आर्यमन दास के रूप में भारत भूषण भल्ला, अनुपम खेर, महेश मेहरा के रूप में देविका शास्त्री के रूप में जूही चावला। उत्पादन करण जौहर के साथ फिल्म के बारे में बोलते हुए यश चोपड़ा ने याद किया कि वो एक एक्शन फिल्म 1988 की बना रहे हैं तो उन्हें लगा कि उन्हें इस तरह की फिल्म नहीं बनना चाहिए। बाद की उनकी मुलाकात लेखिका कामना चंद्रा से हुई, फिल्म में जिन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग 1982 के लेखन के बाद लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने चोपड़ा की एक सामाजिक रोमांटिक संगीत में फिल्म की कहानी पेश की, जिससे ये संपत्ति आई और उन्होंने सितारों की चुनना शुरू कर दिया। हालांकि लॉन्च स्टार्टिंग में चोपड़ा का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पटकथा के दूसरे भाग को बदलने के लिए फैसला किया, जिसमें मूल रूप से चांदनी को ललित से शादी करने की थी और एक बेटा पैदा करना था। विनोद खन्ना की कास्टिंग के साथ वितरकों ने फिल्म की एक एक्शन सीक्वेंस की मांग शुरू की थी, जो इसे चोपड़ा ने मना कर दिया। मूल रूप से स्क्रिप्ट में श्रीदेवी को आग की घटना के
छिपाने के लिए खन्ना की आवश्यकता थी। हालांकि पुलिस की गई फिल्म की देखने पर चोपड़ा की लगा कि ये फिल्म एक हिस्सा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने श्रीदेवी और खन्ना को एक दिन की शूटिंग के लिए वापस बुलाया ताकि उनकी पहली मुलाकात एक दृश्य के फिर से फिल्माया जा सके। संगीत चांदनी की साउंड ट्रैक शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया द्वारा रचा गया था, जिन्हें शिव और हरि के नाम से जाना जाता है। गीत आनंद बख्शी द्वारा प्रसाद किए गए थे। नीचे सूचीबद्ध गीतों के अलावा एक आदर में बहुत समय थे राम था, जो एक पूर्ण गीत का हिस्सा नहीं था। चोपड़ा का अगली फिल्म है लंबे 1991 के लिए कभी मैं हूँ ना गीत में एवं उस राग को और विकसित किया गया जिस शिव हरि ने भी गया था। फिल्म का साउंडट्रैक भारत में एक बड़ी सफलता थी और इसमें 10 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिक्री, जो वर्षों की सबसे अधिक कमकने वाला साउंडट्रैक एल्बम बन गया है। जैसा माना जाता है कि साउंडट्रैक वकायत के कमयात के 1988 की मैंने प्यार किया 1989 के साथ रोमांटिक संगीत शैली के वापस लाने में मदद की। इसके गीतों और गीतों की प्रमुख आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यशराज फिल्म्स के अनुसार प्रीमियर के दिन साउंडट्रैक 4x टेलीविजन हो गया। 25 सप्ताह तक ये 25x39 हो गया। संगीत में योग्यों में एक नया मानक उदाहरण वंचित चांदनी को इसकी रिलीज पर व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें कई आलोचना में भारतीय सिनेमा में शीर्षक एक्शन फिल्मों के एक युग समाप्त करने में रोमांटिक संगीत शैली के फिर से जीवन करने की फिल्म के प्रभाव का उजागर कर दिया। साथ ही 1989 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी द हिंदू ने कहा कि फिल्म खचाखच भरी हुई है, वितरकों के थिएटरों की संख्या में भरी बंदी करती है। इसे टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनने में से एक थे रूप में उभरी थी। बॉलीवुड में और हिंदी फिल्मों में से रोमांस की वापसी, फिल्म में श्रीदेवी की स्थिति युग सबसे महिला स्टार के रूप में मजबूत किया। आजादी ने श्रीदेवी के प्रदर्शन का वर्णन करते हुए इंडियन टाइम्स ने लिखा, अपने स्क्रीन नाम के अनुसार वो चमक गर्मजोशी और जीवंतता का प्रतीक थी। उन्होंने सहजता से हमें शक्तिशाली धर्म से प्रेरित करते हैं। उनका क्लासिक दिव्य चरित्र भरा हुआ था जिस दृश्य में वो ऋषि कपूर का सामना करते हैं। इस रेडी टीम द्वारा यश चोपड़ा फिल्म के 10 सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था, जबकि श्रीदेवी यश चोपड़ा की 605 नामांकित थी। हिंदुस्तान टाइम्स की सूची ने शीर्ष पर थी। CNN IBN की यश चोपड़ा ने 10 सबसे कामों के नायिका को उसकी अपनी सूची में उसे एक स्थान दिया और ये कहते हुए स्थान चोपड़ा के श्रीदेवी के आदर्श चांदनी के रूप में अमर कर दिया। इसे यश चोपड़ा की प्रतिष्ठित यात्री के सूची के शामिल किया। CNN IBN ने इसे द क्लर्ट करेक्टर यश चोपड़ा क्रिएटर के सूचीबद्ध किया, जबकि टीवी ने इसे यश चोपड़ा ग्रेटेस्ट क्रिएशन की अपनी सूची में यह कहते हुए दिखाया गया कि फिल्म श्रीदेवी को राष्ट्र की प्रतियोगिता के रूप में स्थापित किया और के रूप में जन की स्थिति को मजबूत किया। बॉलीवुड में राज करने वाली अभिनेत्री फिल्म में पोशाक डिजाइन भानु अथिया और लीना दारू द्वारा किया गया था। श्रीदेवी के प्रतिष्ठित चांदनी लुक ने उत्तर भारत में फैशन में क्रांति ला दी और अभिनेत्री का पर्याप्त बन गई। एडिप ने कहा कि चमत्कार श्रीदेवी उदार रोमांस के लिए एक बड़े हिंस के लिए सफेद रंग में हर संभव डिजाइन में विफल जाती है और कई शिकायत नहीं करता है। लुक के बारे में विफल रहे चोपड़ा ने फिल्म समीक्षकों को राजीव पसंद से कहा, चांदनी बनाते समय मेरे पास एक दृष्टि की थी, इस लड़की को कौन बनाना चाहता है। मैंने श्रीदेवी से कहा कि फिल्म में उनके अधिकांश पोशाक सफेद रहा होगा और देवी ने उनके लिखा कि लीना दारू ने फिल्म से एक विजेता बनाया जब उन्होंने श्रीदेवी के लिए चांदनी लुक बनाया। हर गली नुक्कड़ पर सलवार